हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए, आवाज सबको क्लियर है ना? ग्रेट। दिख रहा है? नोट्स हैं? कोई ऐसा है जिसके पास नोट्स नहीं है? पीडीएफ है? अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ठीक है? चलिए, एक बच्चे का बैग यहाँ पे रखा हुआ है, अगर किसी का बैग मिसिंग है तो वो ये रखा हुआ है, ठीक है? और नहीं चाहिए होगा तो मैं घर ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, मैं ढूंढूंगा। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सरप्राइज है दुबई से। जी हाँ, आप ठीक है? ग्रेट। तो दुबई से मैं चॉकलेट्स लेकर आया हूं, लेकिन ये चॉकलेट्स आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको अर्न करनी पड़ेगी। बीच में सवाल पूछे जाएंगे, जब मैं बोलूंगा कि ये चॉकलेट क्वेश्चन है तो आंसर मत करने लगना, हाथ खड़े करना। मैं सेलेक्ट करूंगा, आपको आंसर देना है, ठीक होगा तो चॉकलेट मिलेगी, वरना वो चॉकलेट मैं खा लूंगा, ठीक है? मैं निकाल भी देता हूं, ऐसा आपको ऐसा ना लगे कि झूठ बोल रहे हैं सर, है ना? तो ये पैकेट लेकर आया हूं मैं, ठीक है सर? इसमें है क्या? चॉकलेट्स हैं, वो जब मैं बांटूंगा तो दिख जाएगा। टेस्ट अच्छा है, मैंने किया हुआ है, नितिन सर ने भी कर लिया है, लव सर ने भी कर लिया है, ठीक है? चलिए, तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जैसे आप नितिन सर के सेशन में शांत बैठे थे, आपको वैसा रहने की कोशिश करनी है, वरना हो सकता है कि मुझे नितिन सर को बुलाना पड़े आपको डांटने के लिए, है ना? तो प्लीज शांत रहेंगे। जब मैं एग्जाम्पल पूछूंगा कि आपको इस प्रोविजन में कौन सा एग्जाम्पल देना है, तब आपको बताना है, या अगर मैं कोई चीज रिपीट करने के लिए कहूंगा तब आपको रिपीट करनी है, ठीक है? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर है ना यहां से भी बोल रहा हूं तो? ठीक है, तो हमारा जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आज का टारगेट है। कल का टारगेट हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है। अगर हम अच्छे पेस पर चलते हैं, जो कि मुश्किल होता है मेरे केस में, अगर हो पाता है तो हम लोग कल के दिन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को संजीवनी बूटी से कवर कर लेंगे। आपके जो लॉ के नोट्स हैं वो तीन पार्ट्स में बांटे गए हैं, डे वन जिसमें आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिया हुआ है, डे टू जिसमें आपको कंपनीज एक्ट दिया हुआ है, और आपको एंड में, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि संजीवनी बूटी नोट्स का जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक था, जो बैच में अपलोडेड था, तो बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आया था कि सर ब्लैक में बहुत पैसा लग रहा है प्रिंट करवाने में, जिन्होंने करवाया होगा, तो आपको यहां पर वो सारे व्हाइट बैकग्राउंड में मिल चुका है, आप चेक कर सकते हो। और ये नोट्स आपको लास्ट डे हेल्प करते हैं, जिससे कि आप अराउंड पूरे लॉ का सब्जेक्ट, अगर आप 60 मार्क्स का रिवाइज करना चाहते हो, एलएलपी तो आपको खैर स्टडी मॉड्यूल से करना होता है, बट आप इजिली 4-5 आवर्स में पूरा का पूरा चार्ट के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए रामबाण सीरीज भी यूट्यूब पर डली हुई है, इसी नोट से मैंने रिवाइज कराया हुआ, बहुत बच्चों ने रामबाण सीरीज देखी भी होगी जो संजीवनी बूटी नोट से रिवाइज करते होंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, सब पेज नंबर ऊपर कर लेंगे भैया। सबसे पहला ही जहां पर डे 01 लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर मैं बेसिक बातें करता हूं, है ना, आप सो ना जाएं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, पेन ले लीजिए, ठीक है? देखो ऑनलाइन में मुझे पता नहीं चलता है कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, लेकिन यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, हाथ में पेन रखना है और जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जाएंगे उनको अंडरलाइन या टिक करते जाना है, तो इससे आपको नींद कम आएगी। आ तो सकती है, अब खाना खाया और टाइमिंग भी ऐसा है, और मुझे भी कम आएगी आपको देखकर, ठीक है? बाकी बीच में मुन्नी ब्रेक 2-3 मिनट का दूंगा, लेकिन कहीं जाना मत यार उसमें, ठीक है? मुन्नी ब्रेक देंगे, मेरे को याद दिला देना, मैं भूल जाता हूं। तो अगर 3 घंटे का सेशन है तो 1.5 घंटे बाद टाइमर लगा लो,
मुन्नी ब्रेक याद दिला देना कि सर मुन्नी ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मुन्नी ब्रेक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया पे। अगर आप ध्यान से, ये पॉइंट आपके एग्जाम में आना नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो आप लिख लेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपके सारे एक्ट ही, जितने भी आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे क्या है, होल ऑफ इंडिया में ही एप्लीकेबल होते हैं। कब आया था? 1 जुलाई 1930 को आया था। बट 1 जुलाई को कुछ और भी हुआ था क्या? जीएसटी डे और क्या? जीएसटी डे, अरे भाई सीए डे बोलो पहले, सीए डे। बट यस, बिल्कुल जीएसटी डे भी एकदम करेक्ट है, तो इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। देन अगर हम चलते हैं सबसे पहली यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट यूनिट में मेरे बच्चा हमको पढ़ना होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं? कितने? दो टाइप होते हैं, टाइप वन सेल और टाइप टू एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है? सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप, दो पॉइंट्स हैं, एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है और सेकंड ऑप्शन कंडीशन फुलफिलमेंट में ट्रांसफर होती है। ये दो पॉइंट्स है, आपको डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको सीखना है सेलर बायर। सेलर बायर को क्या करता है? ओनरशिप ट्रांसफर करता है। किसकी ट्रांसफर करता है? गुड्स की ट्रांसफर करता है, और बदले में कंसिडरेशन क्या लेता है? प्राइस लेता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, यानी हमें डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी। किस किस की? सेलर की, बायर की, ओनरशिप की। ओनरशिप नहीं कहते यार, प्रॉपर्टी। ये ओनरशिप कहने का तरीका मुझे थोड़ा कैजुअल लगा। मेनली क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी लिखना है, या आप जनरल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, लेकिन मेनली आपको प्रॉपर्टी लिखना है एग्जाम में। ठीक है, समझने के लिए ओनरशिप ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहली डेफिनेशन जो आती है, दैट इज गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो आपको गुड्स की डेफिनेशन भी लिखनी है, साथ में आपको एक और डेफिनेशन भी लिखनी है। कौन सी? एक्शनेबल क्लेम की। आप दोनों डेफिनेशंस लिखेंगे, गुड्स की डेफिनेशन भी लिखेंगे और एक्शनेबल क्लेम की, और साथ में एग्जाम्पल भी देंगे। गुड्स के भी एग्जाम्पल देंगे और एक्शनेबल क्लेम में, तो एग्जाम्पल में डेट ही लिखना है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो गुड्स की डेफिनेशन को तीन पार्ट्स में बांटेंगे हम। गुड्स मींस, फिर उसमें दो चीजों को इंक्लूड करेंगे, कुछ चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने इसमें एग्जाम्पल लिए थे क्लास में बहुत सारे मूवेबल प्रॉपर्टी के। क्या एग्जाम्पल लिए थे? कि भाई अगर मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं? ब्रश करता हूं, ब्रश करता हूं, ब्रश निकालता हूं, है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन सिर्फ ब्रश से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। टूथपेस्ट भी तो लगेगी ना यार, लगेगी कि नहीं लगेगी? मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो ये गुड्स में कवर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें कवर नहीं करी गई हैं। कौन सी दो चीजें कवर नहीं करी गई हैं? एक्शनेबल क्लेम कवर नहीं करा गया है, एक्शनेबल क्लेम कवर नहीं करा गया, एंड सेकंड मनी कवर नहीं किया गया है। तो गुड मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। बट कुछ चीजों को स्पेसिफिकली कवर करा गया। कौन कौन सी? स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक एंड शेयर्स, और साथ में ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड। विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड मतलब हम अलग करके दे देंगे। कब? या तो सेल, सेल के अंदर अलग करके दे देंगे, या एग्रीमेंट टू सेल में अलग करके दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब एक चॉकलेट क्वेश्चन आ रहा है। ओह, इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं गुड्स के, मॉड्यूल के ही एग्जाम्पल है, कोई नए नहीं है। फिक्स डिपॉजिट रिसीट, शेयर, इलेक्ट्रिसिटी, डिग्री ऑफ कोर्ट। मुझे आज तक रात को नींद नहीं आती है ये सोच सोच के कि ये डिग्री ऑफ कोर्ट गुड्स की डेफिनेशन में क्यों लिखा हुआ है। कोर्ट ऑफ ऑर्डर मतलब कोर्ट का अगर ऑर्डर है, ये गुड्स की डेफिनेशन। मुझे ये समझ आता है कि भाई बाकी चीजें ठीक है कवर कर ली, बट कोर्ट का ऑर्डर क्यों लिखा हुआ है? कोई है जो बता पाएगा? देखा, ऐसे मैंने कहा था ना, आंसर नहीं देना, सिर्फ हाथ खड़े करने हैं। देखते हैं कितने हाथ
रेज होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। याद तो सबने कर लिया था कि डिग्री ऑफ कोर्ट आता है, हाँ याद कर लिया, मैंने तो यहां लिखवा भी लिया था। कितने मुझे हाथ नहीं दिख रहे हैं, एक दो तीन, कह रहा है अगर मैं हाथ खड़ा कर लूं, हो सकता है मेरा चांस ना, बट आई विल कूल लगूंगा यार मैं थोड़ा सबके सामने, अरे जीनियस। ठीक है, अरे अरे अभी तो धीरे धीरे देखो कहाँ कहाँ दर्द होता है, तुम सोचो तो सही। ठीक है आप बताइए। यस आप, ओके मूव होता है, ठीक है कह रहा है मूव, बट उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है क्या, वो सेल ऑफ गुड्स में कवर हो सकता है कि मैंने बेच दिया ऑर्डर, 10 रुपए का लाया था 20 रुपए, बट फिर भी लिखा तो हुआ है मॉड्यूल में, है ना, मॉड्यूल में तो लिखा हुआ है ना यार, फिर क्यों लिख दिया इन्होंने, या तो डिलीट करवा दो कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। और कोई, यस वैलिड सा पॉइंट लग रहा है, मैं थोड़ा सा और बेटर फ्रेम कर देता हूं। वो ये कहना चाहता है कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो पार्टी थी, ए ने बी से वादा किया था कि मैं तुम्हें गुड सेल करूंगा, ठीक है, और बी ने कहा था मैं तुम्हें प्राइस दूंगा। अब हुआ क्या, ए ने तो वादा कर दिया, अब बाद में ए ने हमेशा की तरह भैया वादा तोड़ दिया, बी क्या करेगा, केस करेगा, कोर्ट केस करा, कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, यानी अब सेलर को अपना प्रॉमिस क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अब उसको 10 दिन का टाइम दिया कि 10 डेज हैं आपके पास, ठीक है 10 डेज में आपको क्या मिल जाएगा, गुड्स मिल जाएंगे। बी को पैसों की जरूरत थी, तो बी ने क्या किया, उस कोर्ट के ऑर्डर को आगे पकड़ा दिया और पैसे ले लिए कि भाई ए से मैं तेरे को गुड्स दिलवा दूंगा एक नया एग्रीमेंट करके, ठीक है। तो ऑलवेज डिग्री ऑफ कोर्ट कवर नहीं होता, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर आप डिग्री ऑफ कोर्ट को इस तरह से देख सकते हो। तो उस बच्चे को हम चॉकलेट देंगे, भाई हाथ खड़ा करेगा एक बार दोबारा, ये कह रहा अरे किसी को क्या ही पता चल जाएगा, ग्रेट यार, उस तक पहुंचा दोगे, भरोसा कर सकता हूं मैं इनपे, पक्का देख लो यार, दे देना यार, ऐसा धोखा मत करना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, एक बेसिक आपका क्लियर हो गया जो मुझे लगता है कि मेजोरिटी क्लास को नहीं आता होगा, है ना, बस रट्टा लगा लिया था तो हो गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज प्राइस। प्राइस जो होता है क्या काइंड में हो सकता है, क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पूरा 100% इज इट पॉसिबल, नो, क्या होना चाहिए, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। तो या तो आप 100% मनी दोगे, लेकिन क्या पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन मनी हो सकता है, द आंसर इज येस। और इसीलिए आप अगर दो स्टार देख रहे होंगे, खैर मेरे स्टार स्टार लगते नहीं है, बट ये दो स्टार का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के लिए, तो मार्क कर लेंगे, 5 स्टार भी बना सकते हैं, मैंने 2 बनाया तो। वैसे स्टार लग रहे हैं क्या, नहीं ना, सीखूंगा मैं, इसकी क्लास लूंगा, कर लिया मार्क। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है डेफिनेशन सेलर और बायर की। सेलर और बायर की डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, थोड़ी सी एक्सटेंडेड वर्जन दे रखा है डेफिनेशन का। क्यों, यहां पर बायर में वो पर्सन तो कवर होता ही है जो बाय कर रहा है, लेकिन वो पर्सन भी कवर होता है जो एग्री टू बाय कर रहा है। यहां पर सेलर के केस में वो पर्सन तो कवर होता ही है जो सेल कर रहा है, लेकिन वो पर्सन भी कवर होता है जो एग्री टू सेल कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बाय और सेल कौन से टाइप के लिए कवर हुआ है, सेल के लिए, और एग्रीज टू बाय और एग्रीज टू सेल किसके लिए कवर हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल के लिए। इसीलिए इसकी डेफिनेशन को इतना वाइडर रखा गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी पढ़ लिया, सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट या कंडीशंस फुलफिलमेंट में होती है। क्वेश्चन ये आता है कि फर्क क्या पड़ता है, सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, इससे फर्क क्या पड़ता है, हमें क्यों जानना है ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं है, क्यों जानना है,
जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, है ना, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। इसका तो एक एग्जांपल बनता है आप लोगों के लिए, है ना। तो दो सेकंड रुको, क्या है, अगर कोई वेजिटेरियन है तो मुझे माफ करना, बट एग्जांपल ये बहुत ही बेटर है। नितिन सर क्या सो गए क्या? रुको मैं एक सेकंड नितिन सर को लेके आता हूं, कस्टमर को, एक सेकंड रुकना। मैं बनूंगा दुकान वाला, ठीक है, अंडे बेचूंगा, हमारे पास कस्टमर आएंगे, ये रहे गोट अंडे गोट के अंडे नहीं है, मुर्गी का ही है। चलिए तो सर आप कस्टमर बन जाइए वहां जाके। यस सर, आपको क्या खरीदना पता है ना, अंडे। आपको आके मुझे ऑर्डर देना है, जैसे आप दुकान पे नॉर्मली ऑर्डर करते हैं ना रामू से, वैसे ही, ठीक है, तो करिए ऑर्डर। हाँ मैं यही खड़ा रहूंगा। हाँ क्या चाहिए सर? अंडे चाहिए। अंडा चाहिए या अंडे चाहिए? अंडे चाहिए। अरे मैं तो एक ही लाया हूँ घर से, एक ही है सर हमारी दुकान में। चलिए सर मैं आपको अंडा देता हूँ, अंडा देता हूँ, और ये अंडा गिर गया। अरे फूट गया यार, तुम्हें मानना है कि फूट गया है। क्वेश्चन ये आता है कि नुकसान किसका हुआ, गुरप्रीत सर सेलर का या बायर का? किसका नुकसान हुआ? सेलर का। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जहां पर इस अंडे को मैंने बायर को डिलीवर कर दिया, अब बायर तुम्हें क्या करना है, तुम समझ गए हो ना? हाँ तुम्हें जाना है और ऐसे जाना है, अरे नहीं अब घर जाके ऑमलेट खाना है मुझे, तुम क्या तोड़ दो, है ना। अब अगर टूटता है तो किसका नुकसान होगा? इसीलिए ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क उस पर डिपेंड करता है, रिस्क उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या अरे अरे ऐसे कैसे टूट जाएगा यार, मैं लेके पुणे से लेकर आया हूं मैं एग्जांपल देने के लिए, कहीं मजाक, ऐसे कैसे टूटने दूंगा मैं। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ गुड कस्टमर, पैसे दे देना अंडे के मेरे। हाँ तो आपका नुकसान हुआ, दूसरे वाले में तो आपका है ना, पैसे दे देना, ठीक है। चलिए तो फटाफट से एग्जांपल्स पे चलते हैं, ये एग्जांपल्स अभी हम स्किप कर सकते हैं, डिफरेंस पे चलते हैं, दैट इज सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस। एग्जाम में नॉर्मली 4-5 मार्क का आएगा, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं क्या? द आंसर इज नो। मार्क्स देख लेना कितने हैं, अगर 3 मार्क के लिए आता है तो 5 पॉइंट लिख देना, 4 मार्क के लिए आता है तो 6 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखकर चलो, दैट्स इट। सबसे पहला पॉइंट आएगा बच्चों ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें क्या होगी इमीडिएटली, और दूसरे में क्या होगी फ्यूचर डेट पर या फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन पर, ठीक है। सेकंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सेल, और एक है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर वादा टूट जाता है तो क्या होगा, सेलर स्यू कर सकता है किसको, बायर को, किस लिए, प्राइस के लिए, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन एग्रीव्ड पार्टी यहां पर सेलर इस केस में क्या करेगा, डैमेजेस मांग सकता है लेकिन प्राइस नहीं मांग सकता। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल था और प्राइस की डेट एग्रीमेंट में फिक्स थी और उस डेट पर प्राइस पे नहीं होता है तो आप डैमेजेस की जगह क्या मांग सकते हो, इस केस में भी प्राइस मांगा जा सकता है। जबकि ये कौन सा केस था, सेल का कि एग्रीमेंट टू सेल का, एग्रीमेंट टू सेल का। नेक्स्ट लाइबिलिटीज ऑफ पार्टी की बात करता हूं, तो यहां पर अगर लॉस, अभी आपने देख ही लिया लॉस होगा तो किसका होगा, बायर का, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, और अगर एग्रीमेंट टू सेल में होगा तो किसका होगा, सेलर का होने वाला है। सेम पॉइंट उन्होंने बर्डन ऑफ रिस्क में भी दोबारा रिपीट किया है, ठीक है।
नाउ जस्ट इन रैम और जस्ट इन परसोना, कभी समझा ही नहीं, हमेशा ऊपर से निकल गया। देखो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो बायर के ओनरशिप का मतलब हमने क्लास में सीखा था, क्या था ओनरशिप का मतलब? ऑल द राइट्स, यस और नो? ऑल द राइट्स यानी बायर के पास क्या आ गए? ऑल द राइट्स आ गए गुड्स के, तो बायर के पास उस गुड्स के अगेंस्ट राइट क्रिएट हो गए। तो जस्ट इन रैम मतलब गुड्स के अगेंस्ट राइट क्रिएट हो गए, अब वो हमसे गुड्स मांग सकता है अगर हम उसे नहीं देंगे तो। लेकिन वहीं अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो क्या गुड्स में उसके कोई राइट्स क्रिएट हुए क्या? नहीं। लेकिन उसके पास राइट्स आए, किसके अगेंस्ट आए? सेलर के अगेंस्ट आए ना, बायर के पास सेलर के, गुड्स के अगेंस्ट कोई राइट नहीं आए बट सेलर के अगेंस्ट आए, तो अगेन जस्ट इन परसोन है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, राइट ऑफ रीसेल, सेलर कैन नॉट रीसेल, यहां पर सेलर रीसेल नहीं कर सकता क्योंकि बायर की ओनरशिप हो गई है, और यहां पर सेलर जो है वो रीसेल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? ओनली पोजेशन ट्रांसफर होती है, बट क्या किसी पर्पस के लिए होती है? उसके बाद बेली की क्या ड्यूटी होती है? बेलर जब देता है गुड्स बेली को, तो बेली को गुड्स क्या करने पड़ेंगे? रिटर्न करने पड़ेंगे। क्या इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है? नहीं होती है, यही आपके डिफरेंस में लिखा हुआ है। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली एंड ओनली पोजेशन। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि डिलीवरी हुई है? यस और नो? यस और नो? गुड। कितने बच्चे सो गए? कह रहा मैं अभी उठूंगा, धीरे धीरे उठूंगा। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स इसमें पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। हाउएवर यहां लिखा है कि रिटर्न नहीं हो सकता, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो वो ओवरराइड कर जाता है। हम करते हैं ना अमेज़न वगैरह पे मंगा के गुड्स रिटर्न, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो कर सकते हैं, बट जनरल रूल यही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, बायर को ओनरशिप मिल चुकी है, गुड्स में कोई भी कमी नहीं थी, तो इस केस में आप गुड्स को क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो। और यहां पर बेली मस्ट रिटर्न, यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर रिटर्न करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडरेशन। क्या सेल में कंसीडरेशन होना मैंडेटरी है? Yes, क्या मैंडेटरी है? Yes, क्या मैंडेटरी है? Yes, हाँ मैंडेटरी है। लेकिन बेलमेंट में क्या मैंडेटरी है? No, क्यों? क्योंकि ये ग्रेशियस भी हो सकती है और नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस मतलब वॉलेंट्री भी हो सकती है, और हो सकता है आपने पैसा भी लिया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेल वर्सेस हायर परचेस। आज मैं स्पीड में लग रहा हूं कि नहीं? हाँ, आज 2x पे लग रहा है, ये तो उनके लिए नॉर्मल लग रहा है, कह रहे हाँ इसी में तो पढ़ाते थे सर। ठीक है, हाँ अब पढ़ लो यार, मोए मोए से चलता नहीं है काम, है ना? मोए मोए से एग्जाम पास नहीं होते, मैराथन से एग्जाम पास वो तो पता चलेगा ना यार, जब तुम मेहनत करोगे कि नहीं, कह रहे हो जाते हैं, वो तो पता चलेगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, अगर मैं ओनरशिप की बात करूं, सेल में कब होगी? इमीडिएटली। हायर परचेज में कब होती है? लास्ट पेमेंट पे। मैंडेटरी होती है, ऑप्शनल होती है? ऑप्शन होता है। किसके पास? बायर नहीं, हायरर के पास। वहां पे बायर नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है ना, हायरर के पास ऑप्शन होता है। उसके बाद बायर यहां पर क्या होता है? ओनर ऑफ द गुड्स होता है, और हायरर क्या होता है? बेली होता है। वो कब तक बेली रहेगा? जब तक लास्ट पेमेंट पे नहीं कर देता। लास्ट पेमेंट करने के बाद उसके पास ऑप्शन आ जाता है हायरर से क्या बनने का? ओनर बनने का, दैट इज ओनर बन जाता है वो। उसके बाद क्या बायर यहां पर टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो। क्यों? ऑलरेडी हो गई। क्या हो गई? ऑलरेडी हो गई, ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन क्या हायरर जब चाहे, जब मन करे तब वापस कर सकता है? कर सकता है। सेलर टेक्स द रिस्क, यहां पर रिस्क किसका? अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो किसका रिस्क हो गया? क्यों रिस्क हो गया? क्योंकि गुड्स तो चले गए थे, पैसा भी नहीं मिला, इंसॉल्वेंट हो गया ना भाई। लेकिन यहां पर ओनर क्या कर सकता है? गुड्स को वापस ले सकता है। अच्छा मुझे बताओ, हायर परचेस के केस में जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है या स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है? कौन सी? एंगेजमेंट कम लग रहा है यार, खाना ज्यादा हो गया है ना, मैंने कहा था कि खाना इनको शाम को देना,
ताकि ये एनर्जेटिक रहे कि खाना मिलेगा तो है। चलिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की अगर मैं बात करूं, क्या बायर आगे गुड टाइटल दे सकता है? सेल के केस में द आंसर इज यस, क्योंकि वो ओनर है। नेमो दैट कोर नॉन हैबिट, यहां पर तो उसके पास है ना ओनरशिप, उसके पास गुड टाइटल है तो आगे वाले को भी गुड टाइटल मिल जाएगा, लेकिन हायर परचेज में वो गुड टाइटल नहीं दे सकता। रीसेल बायर जो है वो रीसेल कर सकता है, बट हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल जब तक कि वो बायर मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क एंड लेबर। वर्क एंड लेबर का कोई एग्जाम्पल बताएगा? वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल जोर से बताओ, कौन सा एग्जाम्पल? पेंटिंग वाला एग्जाम्पल है, मॉड्यूल में दिया हुआ है। दूसरा अगर आप अपने गोल्ड और गोल्ड देते हो और कोई ऑर्नामेंट बनाते हो, एक्चुअली में वर्क एंड लेबर क्या है? हम उसे नॉमिनल मतलब नॉर्मल या लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं, कि सर्विस की बात हो रही है, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ गुड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको मैंने डायरेक्ट चैट इधर दिया हुआ है, ये रहा। इस चार्ट से अगर आप गुड्स की डेफिनेशन कर लेंगे सारी, तो आपका काम हो जाएगा। मार्क कर लिया क्या इंपॉर्टेंट? 100 स्टार्स बना लिए कि नहीं? 100 से एक भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं? विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम और आफ्टर। कब? एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके टाइप में क्या क्या आता है? स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। वही उसका अपोजिट क्या है? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स कब प्रोड्यूस होंगे, कब मैन्युफैक्चर होंगे, कब एक्वायर होंगे? आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आफ्टर है और यहां पर एट द टाइम है, दिस इज द मेजर डिफरेंस। देन अगर मैं बात करता हूं एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप की, तो स्पेसिफिक गुड्स की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक गुड्स कब आइडेंटिफाई होते हैं? Yes, the goods are identified at the time of, contract of sale. और ascertained goods कब identify होते हैं? After. This is the major difference. लेकिन question में क्या होता है? अगर आप question read करेंगे यहां पर, सबसे पहला question, यहां पर वो बताता ही नहीं है। A wholesaler of cotton, है ना, has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and assigned. लेकिन उसने क्लियरली मेंशन नहीं करा कि ये बेल्स को कब किया था, एट द टाइम किया था या, लेकिन ये एग्जाम्पल कहां दिया हुआ है मॉड्यूल में? अनअसर्टेन में, असर्टेन में, असर्टेन गुड्स में। तो हम इसको असर्टेन गुड्स की यहां पर क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे और कवर कर देंगे कि हम ये मान रहे कि आफ्टर वाला ही केस है और लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन हिज शॉप। क्या अभी तक फाइनल हो गए हैं क्या गुड्स? नहीं। वर्ड पढ़ो एग्रीज, मतलब अभी हमने सिर्फ क्या किया? एग्रीमेंट टू सेल किया है, करेंगे फाइनल। तो अनअसर्टेन गुड्स होंगे। क्या सिर्फ अनअसर्टेन गुड्स? लिख दूंगा तो पूरे मार्क दे देगा एग्जामिनर। कद्दू, कद्दू देगा वो, बहुत बड़ा सा कद्दू बना देगा। तो आपको मीनिंग भी लिखना है, मीनिंग मतलब आपका एक रीजन हो जाएगा। क्या इस वाले क्वेश्चन में मुझे वो फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत है क्या? प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन हर क्वेश्चन में करने मत लग जाना, क्योंकि एग्जाम में मान लो अगर 5 मार्क्स का आता है, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, 1 मार्क है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो आपको कहीं पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आंसर तो पूरा आता है और वो भावनाओं में बह जाते हैं और फिर कहते हैं सर मैंने ना फोड़ दिया पेपर, लेकिन जितना आता था 60 आता तो 100 का था, 60 का लिख के आया हूं, मैंने कहा बाकी 40 वो थोड़ा बह गया था सर मैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैंने पहले भी टाइम बताया है कि एक मार्क के लिए कितना बताया था? 1.7 मिनट। कितना बताया था? 1.7 मिनट आप लेकर चलना। एक और क्वेश्चन आएगा सर बीसीआर पहले करें या
लॉ पहले करना चाहिए। अरे भाई जो इजी लगता है वो पहले कर ले, लेकिन टाइमर लगा के करना कि कुछ भी कर रहा है तो उसका टाइम डिफाइंड है कि इस बीसीआर के पोर्शन के लिए इतना टाइम है, लॉ के पोर्शन के लिए इतना टाइम है, उस टाइम में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करना, दैट्स इट। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉ पहले कर रहे हो या बीसीआर कर रहे हो, आपको टाइम मेंटेन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो इजी लगेगा वो करो यार। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में, यानी इसके बिना इसको आप एसेंशियल्स भी बोल सकते हो। सबसे पहला कितनी पार्टीज होनी चाहिए, मैक्सिमम दो या मिनिमम दो? दो से ज्यादा हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, जिसमें हम ज्वाइंट ओनर वाला केस भी पढ़ते हैं आगे जाके, यस और नो? सेकंड, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए? गुड्स होना चाहिए। प्राइस कैसा होना चाहिए, होली इन मनी या होली इन काइंड? होली इन मनी होना चाहिए या पार्टली इन मनी और पार्टली इन काइंड भी चलेगा। ओनरशिप ट्रांसफर की मैं बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? देखो ये बड़ी दुविधा वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इन्होंने क्या कर रखा है, इसी का नाम ना जो पार्ट है, अब वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको और इसको इंटरचेंजेबली यूज करने लगता है। हमें इंटरचेंज नहीं करना है, हमें इसके दो टाइप है, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूं ना कि इसकी। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपने सेल करा होगा तो इमीडिएटली हो रही होगी, और अगर एग्रीमेंट टू सेल करा होगा तो। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बताऊं, जब आप पढ़ते हो मॉड्यूल को तो आप हमेशा भले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा होता है या सेल लिखा होता है, आप उसे सेल लिखकर ही पूरा पढ़ते चले जाते हो, जबकि आप वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। यही तो आपको ध्यान देना है कि कहां पर वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्ड लिख रहा है, मतलब वो वाला प्रोविजन दोनों केस के लिए कॉमन बनाया हुआ है। और अगर वो सिर्फ सेल वर्ड लिख रहा है, मतलब वो वाला प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मे बी एब्सोल्यूट हो सकता है, एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन, और कंडीशनल हो सकता है यानी विद एनी कंडीशन। नॉर्मली इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कंडीशनल वाले में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, या तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कौन से गुड्स होंगे, कंटिंजेंट गुड्स होंगे। कंटिंजेंट गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सेल का होता है या एग्रीमेंट टू सेल का होता है? कौन सा? एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एग्रीमेंट टू सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स का? एग्जिस्टिंग गुड्स का कौन सा होता है? दोनों पॉसिबल है, एग्जिस्टिंग गुड्स में दोनों पॉसिबल है। आपको कॉन्ट्रैक्ट अगर आप इमीडिएटली ट्रांसफर करना चाहते हो इमीडिएटली कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 10 दिन बाद करना चाहते हो 10 दिन बाद कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ये बात मॉड्यूल में लिखी नहीं है, ये बात अंडरस्टूड है। अगर आप खुद प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर कोई चीज, कई सारी चीजें मॉड्यूल में नहीं लिखी होती है, बट आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में जब एग्जाम्पल लेके खुद सोचने की कोशिश करोगे तो आप उसे ज्यादा बेटर बिल्टअप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। डिलीवरी मतलब क्या होता है, किस चीज का, ओनरशिप का कि पोजेशन का? ओनरशिप की पोजीशन का। वॉलेंट्री ट्रांसफर, अगर कोई मुझसे छीन कर भाग गया तो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, चोरी कहते हैं उसे। ठीक है, कोई अगर छीन के भाग जाता है तो वो चोरी होती है, डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। डिलीवरी क्या, लेकिन हम डिलीवरी क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है, डिलीवरी कहां से आ गई बीच में? क्या बिल्कुल भाई, सेलर को बायर को पोजेशन तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो, क्योंकि अगर बायर के पास सारे राइट्स आ गए इंक्लूडिंग राइट टू पोजेशन, बायर हैव ऑल द राइट्स, फिर राइट टू इनकम हो, राइट टू यूज हो, क्योंकि उस गुड्स के सारे राइट हमने किसको दे दिए, बायर को दे दिए। कितने टाइप्स की होती है, चार, पांच, तीन टाइप की होती है। तीन में कौन सी पहली, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी में क्या ट्रांसफर होता है, फिजिकल पोजेशन, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इससे डिस्चार्ज होते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इस मेथड से डिस्चार्ज होते हैं। रियल लाइफ में सबसे ज्यादा एक्चुअल डिलीवरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें कौन सा एग्जांपल आता है, वेयर हाउस की वाला, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वाला नहीं, वेयर हाउस के
एक्नॉलेजमेंट वाला, जिसमें वेयर हाउस कीपर होता है और वो क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। तो एक्नॉलेजमेंट वाला ट्रांसफर इसमें कवर होता है, और सिंबॉलिक डिलीवरी में कौन सा कवर होता है, या तो आपने क्या दे दिया, कीज दे दी, या आपने दे दिया डॉक्यूमेंट ऑफ, अगर मैंने डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल दिया गुड्स का तो क्या डिलीवरी हो जाएगी सिंबॉलिक। एग्जाम्पल क्या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉड्यूल में, शेयर सर्टिफिकेट। क्या एग्जाम में आ सकता है डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल्कुल आ सकता है। सर क्या हमें डिफरेंस लिखना, नहीं है सर, डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस ही लिखेंगे ना, अभी तुम्हारी किताब में दिया ही नहीं है, तुम्हारी किताब में सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ कि शेयर सर्टिफिकेट एक एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का, जिसको इंडोर्स करने पे, यानी पीछे साइन करके अगर हम किसी को दे देते हैं तो वो शेयर का मालिक नहीं बन जाता, नहीं बनता ना, डिलीवरी नहीं हो रही है ना उसे, वो सिर्फ ये बताता है कि जिसका नाम उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो उसका मालिक है, बस वो ओनरशिप का टाइटल दिखाता है। जैसे मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का, एक और एग्जाम्पल क्या दिया था क्लास में, गाड़ी की आपकी आरसी जो होती है उस पर भी मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं आपको अपनी गाड़ी की आरसी दे दूंगा तो क्या गाड़ी आपकी हो जाएगी, या आपको गाड़ी लेने का राइट मिल जाएगा, द आंसर इज नो, वो बस एक प्रूफ है कि गाड़ी मेरे नाम पर है। अगर मुझे गाड़ी आपको देनी है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें सिंपल से एग्जाम्पल दी हुआ, एक्चुअल डिलीवरी में मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, खाना उसने डिलीवर कर दिया, मतलब क्या हो गई, एक्चुअल डिलीवरी हो गई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या हुआ, गब्बर और कालिया के बीच, गब्बर कौन है, सेलर, बायर कालिया है, और यहां पर किसके पास है, ठाकुर, ठाकुर ठाकुर के पास है ना, वो कौन है, वेयर हाउस का कीपर। अब इस केस में क्या होगा मेरे बच्चा, आई वॉन्ट टू परचेज ऑल दी गुड्स इन दी वेयर हाउस, वो सारे वेयर हाउस के गुड्स खरीदना चाहता है, और यहां पर उसने कंफर्मेशन दिलवा दी ठाकुर से, तो क्या है, कौन सी डिलीवरी हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। क्या हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्या आपको कालिया गब्बर लिखने की जरूरत है, तो फिर ये कालिया गब्बर यहां क्यों बने हुए हैं, आपको ज्यादा लंबे समय तक एग्जाम्पल्स याद रहे, आप वहां पर नाम को ए बी सी डी एक्स वाई जेड करके लिखना, बट याद रखने के लिए हमने ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बनाए हुए हैं। नेक्स्ट आता है वेयर हाउस की, अगर मैं वेयर हाउस की ट्रांसफर करता हूं तो सिंबॉलिक डिलीवरी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मर्केंटाइल एजेंट का, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है बच्चों, मर्केंटाइल एजेंट के पास कितनी अथॉरिटीज होती हैं, चारों होना जरूरी है, कोई भी एक चारों में से, कितने बच्चे कह रहे हैं चारों, है क्या कोई, गुड, और अरे उसे गुड बोला है मैंने, ये और अबे दो लोगों को गुड हो गया और कोई नहीं है क्या, पीछे वाले बैक बेंचर्स तो करने चाहिए यार, कह रहे बेंच ही नहीं हमारे पास, कैसे बैक बेंचर्स हैं। तो बच्चों यहां पर आपको चारों नहीं, एनी, चारों हो सकती है मना नहीं है, लेकिन एनी वन भी होगी तो आप क्या कहलाओगे, मर्केंटाइल एजेंट। बट मर्केंटाइल एजेंट का काम कहां आता है, यूज भी है इसका कुछ या सिर्फ लिखा हुआ है, कहां आता है, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन में आता है, कि अगर मर्केंटाइल एजेंट ने सेल कर दी अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर और सामने वाले ने गुड फेथ में परचेज कर लिया तो उस केस में गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन फिर वो जो सेलर है, जो ओनर था, वो किससे पैसा रिकवर करेगा, मर्केंटाइल एजेंट से, प्रोवाइडेड मर्केंटाइल एजेंट कौन हो, मेजर हो, ठीक है, अगर माइनर होगा तो वो लॉस किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल का ही हो जाता है। क्लियर है क्या सबको, चार अथॉरिटी कौन सी है, दुनिया की सबसे सिंपल अथॉरिटीज, सेल गुड्स, बाय गुड्स, कंसाइन गुड्स, और रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्लेज बोलते हैं, बट आप प्लेज मत लिखना, रेजिंग मनी ही लिख देना, ज्यादा बेटर रहेगा। यस बेटा, मर्केंटाइल एजेंट ये होता है, इसमें एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट होती है। आपने प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए बी पर केस कर सकता है, बी ए पर केस कर सकता है, यस और नो, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मैं सी को लेकर आ जाता हूं, इसको मैंने प्रिंसिपल बना दिया, ठीक है, और इसको मैंने एजेंट बना दिया, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो लॉ कहता है जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, वो सी और बी के बीच में नहीं हुआ, वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता है किसके बीच में हुआ, ए और बी के बीच में हुआ। यानी हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट भले ही सी ने साइन करा है,
लेकिन वो किसकी अथॉरिटी में कर रहा था, किसके बिहाफ पर कर रहा था, ए के बिहाफ पर, तो ए बी पर केस कर सकता है और बी ए पर केस कर सकता है। यही मर्केंटाइल एजेंट का कॉन्सेप्ट है। एजेंट आप बहुत सारी तरीकों के रख सकते हो किसी भी चीज की अथॉरिटी देकर, ठीक है, लेकिन हमने अगर सारी अथॉरिटी नहीं, हम इन चारों अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं कि इन चारों अथॉरिटीज की अगर हम बात करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मर्केंटाइल एजेंट बोलेंगे। जैसे कि ऑक्शनियर, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, कौन, मजनू भाई की पेंटिंग वाला। मजनू भाई की पेंटिंग का ऑक्शन होता है, गुरप्रीत सर करते हैं, मैं कौन हूं, मर्केंटाइल एजेंट, ऑक्शनियर हूं, लेकिन इट इज एन एग्जांपल ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। क्यों? क्योंकि मेरे पास कौन सी अथॉरिटी है, सेल गुड्स की अथॉरिटी आ गई ना, तो आई एम मर्केंटाइल एजेंट। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन। इंसॉल्वेंट लेमैन में क्या होता है, एसेट्स ज्यादा कि लायबिलिटीज ज्यादा। मेरी बात हो रही है बेसिकली, क्योंकि मैंने दुबई जाने के लिए लोन ले लिया और 3,500 सैलरी थी, लेकिन मेरे कहने से मैं इंसॉल्वेंट बन जाऊंगा क्या? द आंसर इज नो। नॉर्मली कोर्ट डिक्लेयर करता है या एडजडिकेट करता है? डिक्लेयर मत कहना, एडजडिकेट कहना, ठीक है। तो यहां पर ही स्टॉप्स टू पे, सीजिस का मतलब होता है स्टॉप डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपना उधार जो है पे नहीं कर पा रहा, और वो कब उधार पे नहीं कर पाएगा, जब उसके पास पैसा नहीं होगा देने के लिए। दूसरा, या वो उधार पे नहीं करेगा जब वो ड्यू होगा, लेकिन मुझे फ्यूचर में कैसे पता चल जाएगा कि वो फ्यूचर में मेरा पैसा नहीं पे करने वाला? अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि वो इंसॉल्वेंट है, भले ही मेरा जो ड्यू डेट था वो 3-4 महीने बाद भी था, लेकिन मुझे तो पता चल गया ना ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो मुझे पता है अब ये पैसा नहीं देगा, मतलब ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स अगर पैरिश हो जाता है, पैरिश मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, डैमेज हो जाना, इतने ज्यादा डैमेज हो जाना कि अब वो किसी काम के नहीं रहे। यहां पर एक्चुअली में कॉन्सेप्ट लगता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कौन सा, वाइड वाला तो लगता है, बट इम्पॉसिबिलिटी वाला एक लगता है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अगर वो कह रहे हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया, लेकिन उससे पहले ही खराब हो चुके थे गुड्स, मतलब यहां पर आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, हॉर्स वाला। ए ने बी को बोला कि मैं तुझे अपना ब्लैक हॉर्स दूंगा, लेकिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसकी पहले ही रात को कौन मर चुका था, ए या बी, हॉर्स मर चुका था। यानी आपका स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स, तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट है, मैंने आपको बोला था कि मैं 10 दिन बाद आपको हॉर्स दूंगा, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद दूंगा, 5वें दिन घोड़ा मर गया अगेन। लेकिन यहां पर फर्क क्या है, एग्रीमेंट टू सेल और एक्चुअल सेल के बीच में गुड्स क्या हो गए, पैरिश हो गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्राइस का। प्राइस को डिटरमाइन करने के कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स, कितने मेथड्स, 3 मेथड्स। पहला मेथड कौन सा, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन होता है, जैसे आप यहां पर आए हैं कितने रुपए देके आए हैं, 99 रुपए, मेट्रो के भी लगे हैं क्या, लेकिन 99 रुपए देके आए, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स था पहले से ही। लेकिन क्या ये एक सही एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स का, नहीं, यहां पर हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं मेनली, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन ये एग्जांपल है कि प्राइस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सेकंड, मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्जांपल देना चाहेगा मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट का, यस, कार्स 24, ओहो सुना हुआ लग रहा है, ब्रह्मास्त्र इज देख के आयोगे कल ही, हाँ। तो यहां पर मैनर प्रोवाइडेड में बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपने एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया बट प्रोसीजर बता दिया कि कैसे निकलेगा, जैसे मैंने बोला कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, आपने मुझे बोला मुझे ये गुड्स चाहिए, मैंने कहा जितनी मुझे कॉस्ट पड़ेगी उस पर 20% ऐड कर दूंगा, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि कॉस्ट लगेगी उस पर 20% ऐड करना है। और थर्ड क्या होता है, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी पास्ट ट्रांजैक्शंस को देखते हुए करंट ट्रांजैक्शंस का प्राइस हम डिसाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि नॉर्मल मेरी समोसे की दुकान पर प्राइस जो है 25 रुपए है, लेकिन मैं ऋषभ सर को वो समोसा महंगा दूं क्या, नहीं यार, अरे यार नहीं यार, वो वीडियो तुम पहुंचा दोगे उन तक, 10 रुपए कर देते हैं उनके लिए, ठीक है 10 रुपए, अरे यार उन्हीं के उस पे तो मेरा घर चल रहा है ना, तो 10 रुपए कर दिया मैंने प्राइस, 10 रुपीज अगर मैं प्राइस कर देता हूं, तो यहां पर एक बार हमने डिसाइड किया, लेकिन अब जब भी वो फ्यूचर में आते हैं ना, जब भी फ्यूचर में आते हैं वो, मैं उनसे कितने पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं,
₹10 पे ही कर रहा हूं, वो आते हैं समोसा लेते हैं ₹10 पे करते हैं, क्यों? क्योंकि कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज की पास्ट ट्रांजैक्शंस में अब हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और ये कब चेंज होगा प्राइस? जब हम दोबारा से अगर कोई ट्रांजैक्शन की मैं उन्हें कहूंगा नहीं भाई बहुत हो गया रोज आ जाते हो यार ₹10 में खाने, है ना, तो वो चीज। अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा क्या? ए ने बी को बोला मैं तुझे गाड़ी बेचूंगा लेकिन उन्होंने प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? नहीं, लॉ कहता है, जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने पढ़ा था अगर अनसर्टेनिटी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था अगर हमने अनसर्टेनिटी है तो वाइड हो जाता है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या बोल रहा है? प्राइस नहीं करा तो क्या हो जाएगा? क्या? रीजनेबल प्राइस आप पे कर सकते हो, रीजनेबल प्राइस। क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओवरराइड कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस। प्राइस निकाला कैसे जाता है? यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्राइस निकालेगा वैल्यूअर, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वैल्यूअर प्राइस निकालेगा या वैल्यूअर प्राइस नहीं निकालेगा। अगर प्राइस वैल्यूअर निकालेगा तो जो वैल्यूएशन आई उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना, लेकिन अगर वो नहीं निकालता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आपको यह देखना है गलती किसकी है, वैल्यूअर की गलती है, सेलर की गलती है, बायर की गलती है, तीनों में से गलती किसकी है? किसकी गलती होगी तो हम करेंगे, क्या वैल्यूअर की गलती होगी तो वैल्यूअर पे केस करेंगे, सेलर की गलती होगी तो सेलर पर केस करेंगे, और बायर की गलती होगी तो बायर पर केस करेंगे। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट? मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसमें क्या लगे हुए हैं सारे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन, किन दो चीजों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है हमें? किसका? किसका? आपको डिलीवरी और पेमेंट के परमुटेशन कॉम्बिनेशन किस चीज के होंगे? इमीडिएट और फ्यूचर के, यानी इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट कैश सेल, इमीडिएट डिलीवरी पेमेंट इन फ्यूचर क्रेडिट सेल। इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाकर आप क्या कर दोगे? मोड्स डिफाइन कर दोगे किसके? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। तो यहां पर हमारा यूनिट वन होता है खत्म। किसी का कोई डाउट है यूनिट वन में? ये यूनिट वन को पढ़ने में हमें क्लास में तो बहुत दिन लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मेनली जो क्वेश्चन आता है वो कौन से टॉपिक पे आता है पता है किसी को? मेन क्वेश्चन उसका आता है कंडीशन के भी, कौन से कंडीशन पे? क्वालिटी एज टू चावल लेंगे चावल नहीं निकलेंगे सही, है ना, लकड़ी लेंगे लकड़ी सही नहीं निकलेगी, पर्पस बताएंगे नहीं, वही सब चीजों पर मेनली क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन एसेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आते हैं स्टिपुलेशन पे। स्टिपुलेशन क्या होती है? ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनती है, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन कितने टाइम की होती है? दो, कंडीशन और सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस को वारंटी कहते हैं ना, फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस को क्या कहते हैं? कंडीशन कहते हैं, क्योंकि वो मेन पर्पस के क्या होती है? कोलेटरल या एसेंशियल? एसेंशियल। और वारंटी क्या होती है? कोलेटरल। अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो हम क्या कर सकते हैं? रेपुडिएट। क्या कर सकते हैं? रेपुडिएट कर सकते हैं। क्या मैं डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूं क्या? वारंटी के केस में हम क्या करते हैं? वारंटी के केस में रेपुडिएट कर दूं? वारंटी के केस में ओनली एंड ओनली डैमेजेस, कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मेंशन करनी है वारंटी वाले पॉइंट में कि कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। और आपको एक और चीज मेंशन करनी है कि जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है कैन बी ट्रीटेड एज, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। देर आर फोर केसेस टोटल, कितने केसेस? फोर, जिसमें हम कंडीशन को क्या मान लेते हैं? ब्रीच को वारंटी मान लेते हैं, जिसमें हम कंडीशन को क्या मान लेते हैं? वारंटी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर चार केसेस पर जाने से पहले एक केस स्टडी है आपके सामने, आप इस केस स्टडी को अपने लास्ट में दिए हुए ब्लैंक पेज पर सॉल्व करके लिखेंगे। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, प्रोविजन फैक्ट्स, फैक्ट्स क्वेश्चन से उठा लेना, चोरी तो करी लोगे यार, है ना, और नेक्स्ट एनालिसिस एंड कंक्लूजन,
आप लिखिए, ठीक है, कितने मिनट मिलेंगे? मान लो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मिनट मिलेंगे? 1.7 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा उतना ले लो, 7 मिनट ले लो, ठीक है, फटाफट लिख लो, लिख लो यार, है ना, मैं देख लूंगा, कुछ बच्चों की आज कॉपीज भी देख लेंगे, है ना, बहुत मुझे मैसेजेस आते थे इंस्टा पे, सर मैं अपनी कॉपी कैसे दिखाऊं, आज देख लूंगा, ऐसा देखूंगा, मजा आ जाएगी, डंडा भी लाया हूं बैग में ही है, अरे मतलब लाइन खींचने के लिए यार। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अरे यार, अरे यार, ये सब तो वही है यार, सब वही तो है जो हम बता रहे थे क्लासेस में, वही है। चलिए ऐसे एक्ट करूंगा कि जैसे बहुत सिंसियरली सोच रहा हूं आंसर को, तो सर को लगेगा मैं सिंसियर स्टूडेंट हूं। लास्ट में लिखेंगे सब बच्चे, लास्ट में, फॉर्मेट बता दिया है, हिंट भी बता देता हूं, कंडीशन हमें लिखनी है, कंडीशन की प्रोविजन हमें लिखना है, और कंडीशन ब्रीच होने पे क्या होता है वो लिखना है, फैक्ट्स क्वेश्चन से चुराने हैं, सबसे पहले फैक्ट से लिख रहा है बच्चा, कह रहा है यही तो आता है मुझे कह रहा है ये कैसा क्वेश्चन है जिसके नीचे आंसर लिखा हुआ है, सोचो कितने अच्छे टीचर हुए, आंसर भी नीचे दे रखा है, कह रहा है यही चुरा लूं क्या, जिन्होंने जिंदगी में कभी आंसर नहीं लिखे थे क्लास में, जब मैं कहता रहता था रोज एक आंसर लिख लिया करो, एक ही, ज्यादा नहीं, एक लिख लिया करो, आज उन्हें भी पेन उठाना पड़ रहा है और नाटक करना पड़ रहा है कि यार लिख लेते हैं, लिखना तो पड़ेगा। अच्छा कोई ऐसा है जहां जो रोज आंसर लिखता है घर पे, रोज एक दो आंसर लिखता है, कितने बच्चे हैं ऐसे, सच सच बताएं, देखो झूठ मत बोलना मुझसे, कॉपी, अरे वाह, कह रहा कॉपी भी लाया हूं, देखो कॉम्पिटिशन देख रहे हो, हाँ बहुत कम बच्चे हैं, बच्चा कह रहा पेन ही नहीं उठ रहा है सर, डर लग रहा है, आप क्यों आ गए हैं, अबे एज पर द प्रोविजन तो लिख ही सकते हो यार, उसका मैं वही कह रहा हूँ, उसने तो वो भी नहीं लिखा, तो मैंने कहा कम से कम ये तो लिख दो यार, ऐसे तो बेइज्जती मत करो। कह रहे सरप्राइज टेस्ट, हाँ बिल्कुल लिखो यार, बिल्कुल लिखो यार, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखना चाहिए, देख रहे हो गली प्रैक्टिस, छुपा लेती हूँ अपना आंसर। किसी का कंप्लीट हुआ क्या, कोई है, प्रोविजन लिख दिया, कंप्लीट कर ले, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, बट लिखो, एटलीस्ट ट्राई, नहीं तो एग्जाम में जाके ट्राई नहीं कर पाओगे। हो गया, दिखाओ यार, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो देखना चाहता हूँ यार, नहीं नहीं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को एज पर दी प्रोविजन हो, राइटिंग तुम्हें थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो जैसे एग्जाम में लिख रहे हो, ओहो टेबल की कमी, संघर्ष बहुत है जीवन में, देख के तो नहीं लिखा ये बच्चा, कह रहा है अरे ये आइडिया भी था, पीछे से देखकर लिख लूं क्या कंडीशन की डेफिनेशन, मैं अभी ना इतना भी दिमाग नहीं चला, यहाँ पे ना आपको हेडिंग्स भी लिखने हैं, ठीक है, मतलब जो हेडिंग्स बताया ना, यहाँ पे प्रोविजन हेडिंग लिखोगे, यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस हेडिंग लिखोगे, यहाँ पर एनालिसिस एंड कंक्लूजन, हाँ हेडिंग्स लिखनी है आपको, ठीक है, सबसे पहले प्रोविजंस आएंगे,
फिर जहाँ पे आपने इन द इंसिडेंट केस लिखा है यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस आएंगे, जहाँ पर आपने कंक्लूजन लिखा है एनालिसिस एंड कंक्लूजन आएगा, ऐसे आपको हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आप सीधा उसमें प्रोविजन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग प्रोविजन नहीं आएगी बिकॉज वो है तो प्रोविजन ही लॉ का, प्रोविजन मतलब लॉ में लिखी हुई बातें। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाह ये अच्छी राइटिंग लगी, मैं मत बैठा मैं कंपटीशन देखो बाजू में है। ठीक है ग्रेट, यस 7 मिनट हो गए क्या? कौन गिन रहा था टाइम, कोई है क्या? अच्छा कितने बच्चे हैं जो लिख ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं यार ठीक है यार सर कह रहे हैं चले जाएंगे, हमने खाना तो खा ही लिया है, पैसे वसूल हो गए हैं, ठीक है यार। अरे भाई अरे कोई बात नहीं यार, मेरी नहीं देखी तुमने हैंड राइटिंग बेटा, उसी से रैंक ला। हाँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना भाई, ये तो यही तो पॉइंट्स बताने हैं। बच्चे ने सोगा लिखा है, क्या मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ एग्जाम में, सोगा लिख सकता हूँ? नहीं लिखना है सोगा आपको, नहीं लिखना आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा लिखना पड़ेगा भाई, मेहनत कर लेना ठीक है, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। बढ़िया है, किसकी थी कॉपी? एकदम सही है, कहां से देख के लिखा? दिमाग से, गुड। मैं बीच में आ नहीं सकता हूं, दिक्कत यह है कि एकदम ब्लॉक्ड है। नहीं फेंको मत, फेंको मत, मैं आपको मैं आपको मॉडल आंसर दिखाता हूं ठीक है। अरे बीच में बैठे हो, एंड में देख लूंगा, एंड में कुछ बच्चों का देख लूंगा ठीक है, रुक जाओ। सबसे पहले चेक करो क्या आपने, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो इंस्टीट्यूट ने इस प्रोविजन से दिया हुआ है, बट इसका आंसर एक और प्रोविजन से लिखा जा सकता है ऑनेस्टली। सबसे पहला आपने हेडिंग लिखी है क्या प्रोविजन? हेडिंग लिखी है क्या? जैसे इस बच्चे ने नहीं लिखी थी हेडिंग, आपको हेडिंग लिखनी है, क्या आपने ये हेडिंग्स लिखी है? द आंसर इज यस, ठीक है। उसके बाद आपने पहला ये प्रोविजन लिखा है, दैट इज एक्ट का नाम सही लिखा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट कोई है कंपनी, कह रहा बताऊंगा नहीं सर है ना, कोई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1872 लिख दिया हो, होता है हमारे पास कॉपीज आती हैं, होता है ऐसा, ईयर्स चेंज कर देते हैं वो, हो जाता है, हो सकता है प्रेशर में हो जाता हो, बट होता है ठीक है। उसके बाद क्या आपने मीनिंग लिखा है क्या कंडीशन का? ये कवर किया किस किसने कवर किया है? कह रहे क्या ही पता चल जाएगा, हाथ खड़ा कर देता हूं ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, क्या आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन वाला पॉइंट देखा है? ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यहां पर अंडरलाइन करी हुई है दो जगह, एक इस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस है, और मैंने एक इस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये फाइनल में जाकर मेरा क्या बनेगा, कंक्लूजन बनने वाला है कि भाई मेरे पास रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट का राइट है, और फिर मैंने फाइनल कंक्लूजन को भी अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा जैसे गुरप्रीत सर ने लिखा हुआ फैक्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन, क्या मैं ये लिख सकता हूं एग्जाम में? लिख दिया फैक्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन, अरे गुरप्रीत सर ने दिखाया था आंसर में फैक्ट्स के आगे फ्रॉम कॉपी फ्रॉम क्वेश्चन, नहीं कर सकते हो, मैंने टाइम बचाया आप नहीं कर सकते हो ठीक है, क्योंकि मैं बन चुका हूं जो मुझे बनना था, मैंने जब पूरे लिखने थे तो मैंने पूरे लिख दिए होंगे, तभी तो यहां खड़ा हूं ऐसा मान रहा हूं, मुझे क्या याद थोड़ी है, कर लिया होगा, वैसे भी मेरा तो सीपीटी था टिक टिक गोला गोला, बताना मत किसी को ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट होने वाला है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, आगे जाकर आएगा वो, प्लीज आप घर पे जाकर ट्राई करना, प्लीज ट्राई करना है ना, बिकॉज राइटिंग यहां पर आई है, मैंने आपको एक बार फॉर्मेट बता दिया जिनको फॉर्मेट नहीं बता था। यस क्या सेल एज पर, इसमें सेल एज पर डिस्क्रिप्शन वाला नहीं आएगा, एक्चुअली इसमें जो दूसरा प्रोविजन आता है ना वो ये वाला है कि आपने पर्पस बताया था, और अगर आप पर्पस बताते हो सेलर पर रिलाय करते हो और वो सेलर उस गुड्स का डीलर है, तो ये वाले प्रोविजन से भी इसका आंसर हो सकता है। फिर सर इंस्टीट्यूट ने ये वाला आंसर क्यों लिया? यहां पर डीलर माना जाएगा, भले ही नहीं लिखा हुआ लेकिन आप मान लेंगे, लेकिन यहां पर इसका आंसर क्यों दिया हुआ, ये क्वेश्चन है
क्या उसने पर्पस बताया था? क्या उसने पर्पस बताया था? लेकिन मेन क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं, इंस्टीट्यूट ने ये वाला जो एग्जांपल है वो कहां दिया हुआ है? कंडीशन के नीचे। कंडीशन के नीचे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक हॉर्न वाला एग्जांपल दिया हुआ है और एक ये वाला एग्जांपल। तो कई बार ऐसा होता है जिसमें कि हम मल्टीपल प्रोविजन, या टूरिंग पर्पस तो पर्पस है ना डीलर। आप अगर हम नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, अगर नॉर्मली मैं सेलर हूं और गुड्स बेच रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो मैं क्या मानूंगा कि वो उसकी दुकान होगी उस चीज की? नॉर्मली तो यही माना जाएगा। नॉर्मली कब मैं डीलर नहीं होता हूंगा? सेकंड हैंड के गुड्स के केस में, और वो भी सेकंड हैंड गुड्स में भी कब? जब मान लो मैं अपना आईपैड बेच रहा हूं, मैं टीचर हूं, मैं आईपैड बेच रहा हूं, तो मैं डीलर नहीं हूं, तो वो वाली चीजें वो मुझे कहेगा कि मुझे आईपैड इस पर्पस के लिए चाहिए, तो इंप्लाइड कंडीशन लागू नहीं होती है क्योंकि पर्पस नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फोर केसेस। यस बेटा, कोलेट्रल और कंसीडरेशन दोनों टोटली ही डिफरेंट चीजें हैं। कोलेट्रल का मतलब होता है कि मैं सामान ले रहा हूं, उसमें 10 फीचर्स हैं, ठीक है, 10 फीचर्स हैं, लेकिन मैं जिस चीज के लिए ले रहा हूं वो एक इंपॉर्टेंट फीचर था, बाकी 9 फीचर उसमें इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है बट होने चाहिए, तो वो चीज हो गई कोलेट्रल, कि एक उसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर जो जिसके लिए मैं वो खरीद रहा हूं वो मेरी कंडीशन बन गई, एसेंस बन गया, और बाकी मेरे क्या बन गए? कोलेट्रल। और उस गुड्स को लेने के बाद जो मैं वापस दे रहा हूं बदले में, वो मेरी कंसिडरेशन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करा जाए। मैंने लिखवा इसलिए लिया ताकि आप थोड़ा नींद से बाहर आ जाओ, क्योंकि खाने के बाद ऐसा होता है, टाइमिंग भी ऐसा है ना, और गाना तो अभी होगा। टाइमर लगा रखा है ना आप लोगों ने? थर्टी टू मिनट्स बाकी है ना, सही बताना। देखो मैं भरोसा, भाई पे भरोसा है मुझे, 32 मिनट्स बता रहा है, 32 मिनट्स उसमें मैं ये यूनिट खत्म कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, प्लीज प्लीज नाउ। सबसे पहला, चार केसेस होते हैं जहां पर कंडीशन को वारंटी ट्रीट करा जा सकता है, दो वॉलंटरी केसेस होते हैं और दो कंपलसरी केसेस होते हैं, दो कंपलसरी केसेस होते हैं। केस नंबर वन, जहां पर बायर ऑल टूगेदर वेव कर देता है किसको? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। एक्चुअली में यहां पर उसने कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया ही नहीं है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने छोड़ ही दिया, बट फिर भी ये केस यहां लिखा हुआ है। सेकंड, उसके बाद बायर ने डिसाइड किया वॉलंटरी अपनी मर्जी से कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट करेगा एज ब्रीच ऑफ वारंटी। यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करने की जगह, रेपुडेट की जगह क्या करना चाहता है? सिर्फ डैमेजेस क्लेम करना चाहता है, गुड्स रख लेगा, कहेगा डैमेजेस दे दो। तीसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप का है जो कि अलग नहीं हो सकता, नॉन सेपरेबल टाइप का, और बायर ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिए, कितने गुड्स? या तो सारे गुड्स एक्सेप्ट कर लिए या पार्ट ऑफ दी गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। चौथा पॉइंट, अगर लॉ की वजह से, किसकी वजह से, लॉ ने एक्सक्यूज कर दिया कि आपको वो कंडीशन या वारंटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट कैन बी रीजन ऑफ इंपॉसिबिलिटी और अदरवाइज का मतलब क्या होता है? कहीं जगह मैं देखता हूं अदरवाइज लिखा होता है, बट एग्जैक्टली अदरवाइज वर्ड क्या मानता है, किसी को पता है? बिल्कुल, उसने बोला कि अदरवाइज का मतलब है हमें नहीं पता और क्या रीजन हो सकता है, हो सकता है जो भी रीजन होगा वो कवर कर लेंगे हम। अदरवाइज मतलब उसने आपको लिस्ट नहीं दी, उसने एक रीजन तो आपको बता दिया इंपॉसिबिलिटी, कह रहा बाकी भी हो सकते होंगे मुझे नहीं पता, और अदरवाइज में उसने कवर कर लिया कि हो सकता है। सेम प्रोविजन हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है कि वन पर्सन कंपनी में रेसिडेंट का स्टेटस चेक करना होता है कि नहीं करना होता, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो पूरा जो लॉ है अदरवाइज वर्ड पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 11, जो स्टिपुलेशन एज टू टाइम की बात करता है। क्या पेमेंट टाइम पर करना, प्राइस की पेमेंट टाइम पर करना एसेंस होता है या नहीं होता है? नॉट डीम्ड टू बी एसेंस, नॉट डीम्ड टू बी एसेंस, लेकिन डिलीवरी टाइम पर करना, बिना डिले करा करे करना, उस केस में क्या होगा आपको भैया? विदाउट डिले तो करनी ही नहीं है, तो यहां पर वेदर और नॉट स्टिपुलेशन एसेंस हो या ना हो, हम उसे कंडीशन मान के ट्रीट कर लेंगे। नेक्स्ट आती है एक्सप्रेस कंडीशंस, कौन सी होती है जो बायर और सेलर क्या करते हैं, एग्री करते हैं। कब एग्री करते हैं? एक्सप्रेसली एग्री करते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कंडीशंस कौन सी होती है?
इंप्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो लॉ प्रिज्यूम कर लेता है, विच लॉ विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला है कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल में दो पॉइंट्स हैं आपके। पहला कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल की बात करता है वो, कि सेल के केस में अगर सेल हो रही है तो इमीडिएटली आपके पास राइट टू सेल होना चाहिए, और अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रही है तो कब होना चाहिए? फ्यूचर में जब आप सेल करोगे तब होना चाहिए। इसमें एग्जांपल कौन सा देखा था हमने? स्टॉलन ट्रैक्टर वाला। एक्चुअली में यहां पर क्या होता है कि अगर चोर ने, हमने चोर से कोई सामान खरीदा तो हमारे पास गुड टाइटल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कौन सी कंडीशन ब्रीच हो जाएगी? कंडीशन एज टू टाइटल। और मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू ओनर को गुड्स वापस देने पड़ेंगे। तो मैं जो मेरा प्राइस का लॉस है वो किससे लूंगा? ट्रू ओनर से लूंगा कि चोर से लूंगा? यहां पर एक्चुअली में दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, नेमो डेथ कोर नॉन हैबिट भी लग रहा है, क्योंकि चोर से खरीदा था ना, उसके पास टाइटल नहीं था, है ना? नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। एग्जैक्टली। नेक्स्ट आता है सेल बाय सैंपल। आपने सैंपल लिया, सैंपल के बेसिस पे आपने बल्क क्वांटिटी ऑर्डर कर दी। आपने सैंपल देखा और बोला कि मुझे बल्क क्वांटिटी दे दो इतनी। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ दो चीजें बोलता है। एक, बल्क शॉल कोरेस्पॉन्ड विद दी। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? बायर मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद दी सैंपल। बहुत सारे स्टूडेंट पहला पॉइंट तो लिखाते हैं, कॉरेस्पॉन्ड वाला सब लिख देते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं मेंशन करते। आपको दोनों कंडीशन मेंशन कि सेलर वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, डीलर होना चाहिए, वो हिडन डिफेक्ट, वो टॉपिक एक्चुअली उसमें लिखा हुआ है, बट वो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हम जाते हैं उसमें लेटेंट डिफेक्ट और पेटेंट डिफेक्ट में, वो टॉपिक डिफरेंट हो जाता है उसमें, वो मेंशन नहीं होना चाहिए था, वो पेटेंट डिफेक्ट और लेटेंट डिफेक्ट का टॉपिक अलग हो जाता है, उसको हम अलग से कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और ओहो दिल दी चाय, चलिए यहां रख लेते हैं, तो बहुत गर्म है यार, हॉट चीजें पसंद है मुझे, चाय की बात कर रहा हूं यार, देखा अभी पढ़ा रहा तो एकदम है जग हॉट हॉट, सारे लड़के जग पे क्या हो रहा है भाई। करेंगे नूरा मैम के बारे में किससे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए सेल बाय सैंपल की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। क्या कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस होती है? इंप्लाइड कंडीशन होती है। देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन। जनरल रूल क्या है? नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, बट देयर इज अ एक्सेप्शन। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, क्योंकि यहां पर कौन सा रूल लगता है, कौन सा डॉक्ट्राइन लगता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर लगता है कि भैया अगर आप बायर आप सामान खरीद रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है टू मेक द प्रॉपर सिलेक्शन, देख के खरीदो। यस, कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू होलसमनेस की बात करें तो ये किसके केस में लगता है? इटेबल्स एंड प्रोविजंस के केस में लगता है। इसमें एक दूध वाला एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा होता है? ब्रेड वाला, जिसमें टूट जाते हैं दांत, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। अगर आपने डिस्क्राइब करा कि भाई मुझे इतना लकड़ी चाहिए, 1.4 mm विड्थ की चाहिए, तो अगर वो लकड़ी उस डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करती तो आप क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो। यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें इंस्टीट्यूट ने अल्टरनेटिव आंसर दिया हुआ है, देखा है क्या? उसमें टीके वाला शायद क्वेश्चन है, टीके वाला, उसमें वो कहता है कि उसने लकड़ी तो वो वाली नहीं दी जो डिस्क्रिप्शन से मैच करती हो, लेकिन वो फिट है पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए उसे वो लकड़ी चाहिए थी। तो यहां पर उन्होंने दोनों आंसर दे दिए, क्योंकि फिट है तो वापस नहीं कर सकता, और दूसरा उन्होंने कर दिया कि डिस्क्रिप्शन वाला। बट मेरा ये क्वेश्चन है, मान लो मैं आईफोन ले रहा हूं, ठीक है, मैंने रेड कलर ऑर्डर किया क्योंकि नूरा मैम का फेवरेट कलर रेड है, कर दिया, मेरे पास आ गया पिंक कलर, भाई पर्पस तो पूरा हो रहा है मेरे फोन का, मुझे फोन करना है, नेट चलाना, जो भी है वो पर्पस तो पूरा कर रहा है, लेकिन मेरा जो डिस्क्रिप्शन था, जिस डिस्क्रिप्शन पे मैंने खरीदा था, क्या वो मैच हो रहा है? क्या मुझे वापस कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। रेड मीन्स रेड, कैसे कर सकते हो चेंज? तो मेनली उसका जो सेकंड वाला अल्टरनेटिव आंसर है आप एग्जाम में वही लिख कर आना। दोनों आंसर लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि पहली बार आपको हिट, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता तो आपको आंसर कौन सा हिट होता पहली बार? डिस्क्रिप्शन वाला ही होता।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेल एज सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन पे, जहां पर हम गुड्स का सैंपल भी देखते हैं। मान लो मैंने एक गुड्स देखा, एक टी शर्ट देखी जो ब्लू कलर पे थी, जिसमें एक डिजाइन बना हुआ था, मैंने सैंपल देख लिया, क्वालिटी देख ली, और फिर उस पे जो डिजाइन बना हुआ था ना, वो डिजाइन तो मुझे पसंद आ गया लेकिन वो कलर मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा मुझे कलर दूसरा चाहिए, तो सैंपल ये, और मैंने उनको डिस्क्रिप्शन कलर में बता दिया, तो अब जो मेरे पास गुड्स आएगा वो सैंपल से मैच करेगा, मतलब उस पर वही डिजाइन बना होना चाहिए, और दोनों से अगर दोनों में से कुछ भी इशू होगा तो मैं गुड्स को क्या कर सकता हूं, वापस कर सकता हूं। नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है, जब सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो कहता है कि गुड्स जो होने चाहिए वो किस कंडीशन में होने चाहिए, मर्केंटेबल कंडीशन में होने चाहिए। अगर मर्केंटेबल कंडीशन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर ये क्वालिटी और फिटनेस वाला डिटेल में दिया हुआ है ऊपर से, क्योंकि ये वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मुझे तो दिख रहा है आपके पेपर में 4 मार्क के लिए दिख रहा है। फ्यूचर है कह रहे सर कुछ भी आप दिख गया, अरे गुरप्रीत सर तो कह रहे मार्क कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, देखो अभी तक जितने भी चले थे वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्यों, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जनरल रूल क्या होता है कि कोई भी कंडीशन और वारंटी नहीं होती है क्वालिटी और फिटनेस को लेकर फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए, लेकिन 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी, बायर ने पर्पस बता दिया था, बायर ने भरोसा कर लिया था सेलर की स्किल्स एंड जजमेंट पे, और सेलर का बिजनेस था टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, पर्पस बताने की जरूरत कब नहीं होगी, जब सिंगल पर्पस होगा। सिंगल पर्पस में हमने कौन सा एग्जांपल लिया हुआ मॉड्यूल में, दांतों वाला, आंटी खरीदती है, है ना, डेंटिस्ट से, तो उस केस में हमें पर्पस बताने की जरूरत नहीं है। और एक और एक्सेप्शन है, इस पॉइंट का एक्सेप्शन है कि अगर हमने किस पर भरोसा करके गुड्स खरीद लिए तो वापस नहीं कर पाओगे, पेटेंट और ब्रांड नेम में, और ये मॉड्यूल में भी गलत लिखा हुआ है, कहां पे गलत लिखा हुआ है, कैवियट एम्प्टर के एक्सेप्शन का सेकंड एक्सेप्शन मेंशन है, जबकि वो सेकंड एक्सेप्शन कैवियट एम्प्टर का नहीं है, वो फर्स्ट एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, बट एग्जाम में क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क आ गया भाई साहब, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क कर लिया, कल देखूंगा मैं, एंट्री तभी मिलेगी जब होमवर्क लिख कर आओगे, वरना वहीं बिठा के लिखवाया जाएगा पहले, ठीक है। सीरियसली लिख कर लाना, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए होमवर्क में दिया गया। एक बार लिखोगे खुद से, अपने हाथ से बनाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, अपने हाथ से करने में मजा अलग आता है जब आप लिखते हो हर चीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वारंटी। टाइप्स ऑफ वारंटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक्सप्रेस वारंटी और इंप्लाइड वारंटी कॉन्सेप्ट सेम है, बस वारंटी लिख देना, कंडीशन वाले में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वही आप यहां पर लिख सकते हो, सिर्फ वर्ड क्या लिख देना, वारंटी लिख देना, अलग से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इंप्लाइड वारंटी, कितने केसेस हैं, 5, 8, 4, अच्छा 4 केसेस होते हैं, जिसमें से पहला केस तो एक कंडीशन के साथ ही लगता है, जो है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। ये किसके साथ पढ़ा जाता है, एक कंडीशन के साथ पढ़ा जाता है ये केस हमेशा, कंडीशन एज टू टाइटल के साथ हम पढ़ते हैं, कंडीशन एज टू टाइटल के साथ वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। इसका मतलब ये है कि अगर गुड्स मेरे पास आ गए तो मुझसे कोई वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास राइट टू पोजेशन है, तो अगर कोई मुझसे वापस लेता है तो हम कंडीशन एज टू टाइटल में प्राइस तो ले ही लेते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई खर्चा किया है तो वो यहां पर जो डैमेजेस है वो यहां पर क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड में कौन सा एग्जांपल आता है, गारमेंट्स वाला, कौन सा एग्जांपल आता है, गारमेंट्स वाला, कि अगर हम कोई कपड़ा मंगा रहे हैं तो वो नॉर्मली फिट होना चाहिए जिस पर्सन के लिए मंगाया गया है। ये यूसेज का मतलब क्या होता है, यूसेज का मतलब होता है सालों से जो चला आ रहा है, जैसे कि कस्टम, कि उस धंधे में ये कस्टम चला आ रहा है, तो इंप्लाइड वारंटी उस पर्टिकुलर पर्पस की हो सकती है। नेक्स्ट है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ encumbrances। एक बारी मेरे साथ बोल दो ना, ये तो मुझसे बोला भी नहीं जाता, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ encumbrances, याद ही नहीं आता है encumbrances, मजा ही नहीं आता है, romances तो ठीक था बट encumbrances, तो एक बारी बोल दो याद रहेगा, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ encumbrances मतलब चार्ज, यानी आपने कोई लोन वोन नहीं लिया होना चाहिए, सेलर जो गुड्स बेच रहा है तो
बायर को बता देगा अगर उसने ऑलरेडी उस पर कोई लोन ले रखा है। अगर वो उसे बताएगा नहीं, डिक्लेयर नहीं करेगा, तो भैया ये वाली जो क्या हो जाएगी, वारंटी ब्रीच हो जाएगी। और अगर कोई पैसा बायर को लेंडर को देना पड़ा तो वो किससे रिकवर कर सकता है? सेलर से रिकवर कर सकता है। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का डेंजरस नेचर है और बायर उसके बाद उसके लिए क्या है, इग्नोरेंट है, तो सेलर की क्या है, सेलर की क्या है, ड्यूटी है। अगर सेलर अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता तो क्या होगा, ही विल बी लायबल फॉर डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर। इसमें आप चार पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कैवियट एम्प्टर का मतलब, कैवियट एम्प्टर मींस, कैविट एंटर मींस लेट द बायर बिवेयर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा, इफ सेलर डिस्प्लेस देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट देन इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन। थर्ड पॉइंट, इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव देन बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल। And fourth point, seller is nowhere responsible for the bad selection of the buyer. ठीक है, आपको अपने खुद ही पसंद करना है, जैसे मैंने पसंद किया अपने गुड्स जो भी मुझे खरीदने थे। ठीक है, आप किसी और को responsible नहीं ठहरा सकते हो। Next, इसमें जब caveat emptor आएगा तो caveat emptor में आप quality as to fitness वाला rule लिख दोगे कि भैया quality और fitness नहीं होती है, फिर उसके तीन exception लिख दोगे। ठीक है, तो यहां पर इसका क्वेश्चन एक और तरह से ड्राफ्ट होता है, वो कैविट एम्प्टर डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन क्या पूछता है, कहता है ड्यूटीज ऑफ बायर बता दो, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, एक्सेप्शन को ड्यूटीज ऑफ सेलर बता दो। ध्यान रखना एक बात का, एक बार बार जो केस स्टडी पूछी जाती है वो बहुत बड़ी केस स्टडी होती है, बहुत सारी फालतू की बातें लिखी होती है, और आखिरी में सिर्फ वो ये बोल देता है ड्यूटीज ऑफ बायर बता दो, ड्यूटीज ऑफ सेलर बता दो, क्योंकि ऊपर की केस स्टडी का कोई लेना देना है ही नहीं। उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ मुझे क्या जानने हैं, ड्यूटीज ऑफ बायर और ड्यूटीज ऑफ सेलर जानने हैं। ड्यूटीज ऑफ सेलर में हमें अलग से मेहनत करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्टली कहां से कवर हो जाते हैं, इंप्लाइड वारंटी से कवर हो जाते हैं, इंप्लाइड कंडीशन से कवर हो जाते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना सारे पॉइंट्स में, वो वाली लाइन्स तो जो वहां लर्न करी थी वो तो लिखी दोगे, एक एक्स्ट्रा लाइन इस केस में ये लिखना कि भैया द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, हर पॉइंट में लिख देना, क्या द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, आपका काम हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहां पर लिख देंगे, सेलर एक्टिवली कंसील, अगर जानबूझ के डिफेक्ट छुपाता है तो उस केस में भी भैया कैविएट एम्प्टर का रूल जो है लगता नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट यूनिट पे, कोई डाउट है यूनिट नंबर टू में? मुन्नी ब्रेक का टाइम हो गया क्या भाई, वो बताएगा कितने मिनट है, है? 16 मिनट है, 16 मिनट्स हैं, 16 मिनट और चलते हैं फिर मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, चलेगा ना? क्या, अरे फ्लो तो पहले ही टूटा हुआ यार, फ्लो का क्या, क्या हो सकता था कॉन्ट्रैक्ट, मैं रेपुटेट ही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मैं या तो फोन वापस, या तो मैं दूसरा फोन मांग लूंगा, मैं कह दूंगा मुझे नहीं चाहिए। वो तो यार हमेशा है ना, वो तो वहां पे आ जाएगा कि कंडीशन कैन बी ट्रीटेड, सबसे पहला बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? हाँ कौन है, एक एक करके, हाँ हाँ, या यो या मैन बॉडी बॉडी, हाँ बोलो, कुछ नहीं पता चला बट कुछ अच्छा सा कहा तूने, कुछ बेहतर, थोड़ा जोर से बोलना, हाँ होगा। नेक्स्ट, और कोई और भी था, एक और बंदा था जो डाउट पूछना चाह रहा था, ये उठ गया तू, अच्छा तू उठा हुआ ही था, ठीक है, हाँ एक क्लोथ हाउस क्या होता है, कपड़ों से बना घर, ठीक है ठीक है ठीक है, बता दिया,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दिया सर, वो मेरे को सिल्क और खादी का दे देता है। ठीक है ठीक है, अब मैं अपने टेलर के पास जाता हूं। ठीक है ठीक है, तो सर अब मैं ये जो मैंने गुड्स खरीदे थे, हां इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं रिसाइन कर सकता? नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल बाय डिस्क्रिप्शन किया है आपने, फिट फॉर पर्टिकुलर पर्पस नहीं किया ना। आपने पर्पस बताया उसे? सर मैंने बताया, क्या पर्पस बताया था? ड्रेस बनानी। अगर आपने उसे पर्पस बताया था, लेकिन आपने उसे क्लियरली बोला है कि भैया मुझे यही वाला चाहिए, तो उसने आपकी डायरेक्शन पे दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है वहां पर। ठीक है, लेकिन तुमने उसे दोनों ऑप्शन दिए, उसने तुम्हारे दोनों पूरे कर दिए। नहीं, सिल्क और खादी मैंने ऑर्डर किया था। मैंने कौन सा ऑर्डर किया? सिल्क और कॉटन मैंने ऑर्डर किया। ठीक है, अच्छा सिल्क और खादी उसने दिया तो कर सकते हैं। मुझे लगा तुमने वापस कहा कि उसने वही दिया जो मैंने मांगा था। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दो डिस्क्रिप्शन दिया ना तुमने, तो यार बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। If, क्या और एनीथिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट। देखो अगर मैं सॉइल निकाल के बेचने वाला हूं लैंड से, दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, वो लैंड का ही पार्ट है, मैं उससे निकाल के देखूंगा। अटैच मतलब हमने अलग से अटैच करी थी, कोई मशीनरी थी जो हमने लैंड को अटैच कर दिया, वो अटैच होगी। तो ये दोनों मतलब है, अटैच टू लैंड या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। गुड्स की डेफिनेशन, जब मैं सॉइल का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि मैं सॉइल निकाल के बेचने वाला हूं, तो दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। मैं लैंड नहीं बेच रहा हूं, मैं लैंड में से सॉइल निकाल के बेच रहा हूं, तो वो बोल रहे हैं कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करूं। मुन्नी ब्रेक हो गया है? चलिए फिर मैं यूनिट 3 स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? कुछ टिक कर रहे हो, मार्क कर रहे हो? मार्क नहीं करोगे तो मार्क हो जाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर आता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, दैट इज प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। तो सेक्शन 19 कहता है कि आपको देखनी पड़ेगी पार्टीज की इंटेंशन, बट मुझे क्या पता भाई पार्टीज की इंटेंशन कैसे पता चलेंगी। तो वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज, पार्टीज कैसे डीलिंग करती है वो देख लेना, और तीसरा उस केस के, क्योंकि हर केस के सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, तो फैक्ट्स ऑफ द केस यानी सर्कमस्टांसेस देख लेना उस केस के। इन तीनों चीज को डिराइव करने के बाद आप क्या कर सकते हो, पार्टीज की इंटेंशन पता चल जाएगी कि वो प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर करना चाहते हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंटेंशन, कुछ केसेस लॉ ने एकदम क्लैरिफाई कर दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जिसमें पहले हम बात किसकी करेंगे, स्पेसिफिक गुड्स की। स्पेसिफिक गुड्स का सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है कि वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं है। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या सेलर को कोई एक्ट करना है, प्राइस निकालने के लिए कोई एक्ट करना है। अगर सेलर को कोई एक्ट नहीं करना, तो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी टाइम पर क्या हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज के पीस, तो अगर मैं स्ट्रॉबेरीज का डब्बा लेता हूं, क्या ये डिलीवरेबल स्टेट में है? द आंसर इज यस। इस पर लिखा हुआ ₹50, क्या इस पर प्राइस फाइनल है? द आंसर इज यस। कोई एक्शन सेलर को लेना है? और द आंसर इज नो। तो वो कह रहे हैं कि आपकी ओनरशिप क्या हो जाएगी, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि वो फर्दर एक्शन चाहिए, मतलब मैं गया एक शॉप पर, मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज को उठा के कहां पर डाल लिया, पॉलीथीन में डाल लिया, अभी कितनी हुई, 1 किलो, आधी किलो, कितनी, यहां पर क्या पहले एक्ट करना पड़ेगा, सेलर को वजन करना पड़ेगा। तो जब तक वो वजन नहीं कर लेता, तब तक क्या नहीं होगा, प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल एक्शन इज डन, एक्शन बाय द सेलर इज कंप्लीटेड। अगर उसने वजन कर दिया, प्राइस बता दिया, हम कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट का कौन सा एग्जाम्पल आता है? जेठालाल और टेक्निकल गुरुजी वाला। टेक्निकल गुरुजी को एक लैपटॉप पसंद आता है, उस लैपटॉप में क्या नहीं होता,
विंडोज इंस्टॉल्ड नहीं होती है लेकिन उन्हें लैपटॉप पसंद आ जाता है, वो कहते हैं ये आप इसमें विंडोज इंस्टॉल करके दे दीजिए। तो जब तक विंडोज इंस्टॉल नहीं होगी तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगा, तो सेलर पहले क्या करेगा उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाएगा। डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा कौन उठाएगा, ये क्या होता है? अरे भाई टेक्निकल गुरुजी या जेठा भाई, मोटा भाई, जेठा भाई, यस। तो यहां पर आगे जाकर आप पढ़ोगे कि सेलर को नॉर्मली जो होते हैं डिलीवरी एक्सपेंसेस जो होते हैं डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा उठाना होता है। लेकिन क्या ये हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एट कॉन्ट्रैक्ट से ओवरराइड हो सकता है पार्टीज की इंटेंशन से। नेक्स्ट आता है अनअसर्टेन गुड्स में अगर ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें असर्टेन करना होता है। असर्टेन मतलब आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने की प्रोसीजर का नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। जब तक एप्रोप्रिएशन नहीं होगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर मल्टीपल सॉल्ट के पैकेट्स पड़े हुए हैं और भिड़े भाई ने अगर पैकेट ऑर्डर किया कि मेरे घर भिजवा देना अगले दिन, तो उस केस में क्या होगा, जब तक कि यहां पर फाइनल नहीं होगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी लेकिन एप्रोप्रिएशन की ना बहुत सारी कंडीशंस हैं जो एग्जाम में आ जाती है। सीधा थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, क्या कहता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के बारे में बताओ, एक्सप्लेन एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो सबसे पहला सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स होने चाहिए। सेकंड, जो गुड्स आप फाइनल कर रहे हो वो मैच करने चाहिए डिस्क्रिप्शन से। अरे भाई जब मैंने टाटा सॉल्ट मांगा था तो तू टाटा सॉल्ट का ही तो पैकेट फाइनल करेगा ना, तू कोई और पैकेट फाइनल नहीं कर पाएगा, तभी वो करेक्ट एप्रोप्रिएशन होगा। नेक्स्ट, गुड्स कौन सी स्टेट में होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में। अगर गुड्स अगर तुमने एप्रोप्रिएशन कर दिया बट गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो भी एप्रोप्रिएशन पूरा नहीं माना जाएगा, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद डिलीवरेबल स्टेट में डालना पड़ेगा। और गुड्स जब आप फाइनली आइडेंटिफाई करके एप्रोप्रिएट करते हो उस पर कोई भी कंडीशन मत लगाना। कंडीशन अगर सेलर लगा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर सेलर कोई भी कंडीशन लगा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ डिस्पोजल। और फिर ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक कंडीशन जो सेलर ने लगाई है वो फुलफिल नहीं होती, तब तक नहीं होती है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन करते हुए कंफर्म कौन करेगा, एप्रोप्रिएशन सेलर करेगा या बायर? कह रहे सेलर कर ले बायर कर ले फर्क नहीं पड़ता, बट दूसरी पार्टी की क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए होती है। और एसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। जो कंफर्मेशन है वो सिलेक्शन से पहले भी लिया जा सकता है, सिलेक्शन के बाद भी लिया जा सकता है, उससे फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट आता है डीम्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। डीम्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो व्हेन द सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट टू डिस्पोजल। यहां पर कोई मुझे बता सकता है डीम्ड एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? एज्यूम कर लेना, डीम्ड का मतलब तो मान लिया, बट ये कॉन्सेप्ट क्यों डाला गया डीम्ड एप्रोप्रिएशन का, क्यों डाला गया? डीम्ड का मतलब तो आपने बता दिया, बट ये कॉन्सेप्ट क्यों डाला गया है? अरे लॉ में लिखा होता इसलिए डाल दिया। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे उसने पहली कंडीशन क्या लगाई कि सेलर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, और दूसरा उसने किसको डिलीवर कर दिया, बायर को या कैरियर को। तो लॉ ये मान लेगा कि क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। अब यहां पर देखना, जब मैं कैरियर को डिलीवर करता हूं, जब मैं किसको डिलीवर करता हूं, क्या डिलीवर करता हूं, कैरियर को गुड्स डिलीवर करता हूं, तो वैसे तो नॉर्मली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि गुड्स मैंने किसको दिए हैं, कैरियर को दिए हैं। बट क्योंकि यहां पर डीम्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मान लिया, और डीम्ड एप्रोप्रिएशन का रूल क्या बोलता है कि डीम्ड एप्रोप्रिएशन का गुड्स, भाई ये बोलता है कि एप्रोप्रिएशन होते ही गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी ना भाई, अनअसर्टेन गुड्स से असर्टेन गुड्स होंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, अनअसर्टेन गुड्स से असर्टेन होंगे तो ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की कंडीशन लगा देना, किसी भी तरह की कंडीशन लगा देना। और अगर सेलर कोई कंडीशन नहीं लगाता है तो नॉर्मल रूल्स जो अभी हमने पढ़े, नॉर्मल रूल्स एक बारी दोबारा बता दोगे मुझे सारे? सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स का नॉर्मल रूल क्या था, स्पेसिफिक गुड्स का भी हमने पढ़ा था ना कि स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो क्या होगा, नॉट डिलीवरेबल स्टेट में तो क्या होगा। अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो दो केसेस होंगे। पहला केस, सबसे पहले यह चेक करना कि सेलर को कोई एक्शन लेना है या
सेलर को अगर कोई एक्शन नहीं लेना तो क्या होगा, क्या होगा, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर सेलर को एक्शन लेना है तो क्या होगा, तब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगी जब तक कि सेलर उसे कंप्लीट नहीं कर लेता, किस चीज को, एक्शन को कंप्लीट नहीं कर लेता। और अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो क्या होगा, क्या, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो किसकी ड्यूटी है डिलीवरेबल स्टेट में लाना, और सेलर की अगर ड्यूटी है, सेलर की अगर ड्यूटी है तो भैया यहां पर खर्चा कौन उठाएगा, सेलर खर्चा उठाने वाला है। नेक्स्ट, अब देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा सेलर बायर, सेलर के पास सोफा था, सेलर ने सोफे को कहां रखवा दिया, ट्रक में रखवा दिया। क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने ट्रक में रखवाया, ठीक है, जब हमने ट्रक में रखवाया तो नॉर्मल रूल लग जाएगा। नॉर्मल रूल क्या बोलेगा कि जैसे हमने ट्रक में रखवाया क्या पास हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर सेलर ने कंडीशन लगा दी थी, क्या लगा दी थी, कंडीशन मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल, तो क्या ट्रांसफर नहीं होगी। उसने कहा कि भाई जब तक तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी ट्रक वाले को तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तो फिर नॉर्मल रूल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि सेलर ने यहां पर क्या लगा दिया, राइट ऑफ डिस्पोजल लगा दिया है। नेक्स्ट आता है डीम्ड राइट ऑफ डिस्पोजल। कितने केसेस होते हैं डीम्ड राइट ऑफ डिस्पोजल के, चार, कितने, चार, एनर्जी नहीं लग रही है, चार, 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 वो कह रहा चार ही मान लेता हूं यार मैं। सबसे पहला केस क्या है कि अगर हमने गुड्स भेजे थे या तो शिप से या रेलवे से, शिप से भेजते तो कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिलता है, बिल ऑफ, और अगर हम भेजते हैं रेलवे से तो कौन सा मिलता है, रेलवे रिसीट मिलता है, यस और नो। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट को मिलता है, और अगर हम इस डॉक्यूमेंट को बायर को भेज देते हैं तो कौन सी डिलीवरी हो जाती है, कौन है कंस्ट्रक्टिव वाला, सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाती है। सिंबॉलिक डिलीवरी होने के केस में मुझे बताइए, अगर सेलर ने यह कंडीशन लगा दी कि तुम उन्हें तब तक हैंडओवर मत करना जब तक मेरा ऑर्डर या मेरे एजेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता, तो क्या मैं ये मान सकता हूं उसने राइट ऑफ डिस्पोजल लगा दिया, द आंसर इज यस। और सेकंड केस क्या है, अगर मैंने उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भेजा था, साथ में मैंने चिपका के भेजी एक और चीज, कौन सी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट लगा के भेजा था। प्रॉमिसरी नोट लगा के भेजूंगा क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज। बट बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने उसे क्यों दिया होगा, पर्पस क्या होगा उसका, बिल ऑफ एक्सचेंज तब तक वैलिड नहीं होता जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं आ जाते। सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट तो करेगी, वो पैसा देने के लिए रेडी है, अगर वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी अपने पास रख लेता है और क्या रख लेता है अपने पास, बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली उसे क्या करना चाहिए था, बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन अगर वो साइन करके रिटर्न, अगर वो साइन करके रिटर्न नहीं करता तो हम मान लेंगे कि राइट ऑफ डिस्पोजल लग गया, मतलब तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो मुझे साइन करके वापस नहीं दे देता। नेक्स्ट आता है सेल और रिटर्न बेसिस। नेक्स्ट कौन सा आता है बच्चों, सेल और रिटर्न बेसिस, तो आप जानते ही हैं, मैं और सल्लू भाई चड्डी बड़ी से, और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो कार है वो किस, कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूं, कोई रीजन है, मैं सलमान भाई को नहीं देता हूं चलाने के लिए, देखा बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे, बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी बताई जाएगी, लेकिन मैं उन्हें चलाएं। अब हम दोनों जा रहे थे, कैटरीना की शायद बर्थडे पार्टी होगी उसमें जा रहे होंगे, तो सलमान भाई ने पूछा यार कैटरीना को क्या गिफ्ट देना चाहिए। मैंने कहा कैटरीना को ज्वेलरी पसंद है, तुम ज्वेलरी दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। तो उसने कहा ठीक है, सलमान भाई ने मान ली बात, और सलमान भाई ने परचेज कर लिया सेल और रिटर्न बेसिस पर, सेल और रिटर्न बेसिस पे, कि 7 दिन के अंदर या तो तुम मुझे कंफर्म कर देना, क्योंकि उसे था ना कि भाई नेकलेस पसंद आएगा नहीं आएगा कैटरीना को। अब कैटरीना को मैं तो पसंद नहीं आया, लेकिन मेरा दिया हुआ नेकलेस हो सकता है पसंद आ जाए। तो अब वो जाता है किसके पास, ज्वेलर के पास जाता है, ले लेता है नेकलेस। नेकलेस लेने के बाद वो जाएगा कैटरीना के पास, और कैटरीना को वो क्या कर देता है,
गिफ्ट कर देता और उसे भी पसंद आ जाता है। तो लॉ कहता है या तो वो एक्सेप्टेंस दे देता किसको, सेलर को, या तो टाइम लैप्स हो जाता 7 दिन, या अगर उसने आगे गिफ्ट, प्लेज या सेल भी कर दिया तो इस केस में ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। किसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ज्वेलर से सलमान को और सलमान से कैटरीना को, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आता, यार ये एक्सेप्शन बहुत है, काश एक्सेप्शन नहीं होते तो आधा सिलेबस मेरा कम हो जाता। इसका एक एक्सेप्शन कौन सा है, सेल और क्या बोलता वो, सेल और रिटर्न, कैश और रिटर्न, या तो पैसा दो, वो कह देता है देते हुए ही, सलमान भाई जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इस केस में अगर सलमान भाई कैटरीना को देने के बाद पैसा नहीं देते तो क्या ज्वेलर कैटरीना से वो वापस ले सकता है ज्वेलरी, किस केस में, कैश और रिटर्न बेसिस में। द आंसर इज यस, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि उसने सेल और रिटर्न बेसिस लिखा है या कैश और रिटर्न बेसिस लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। ओनरशिप उसकी, रिस्क उसका, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। एक बारी मेरे साथ सब बोलेंगे, ये तो मुझे गाने जैसा लगता है यार। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं, आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ू, हेलीकॉप्टर, हा हा हा, मैं हूं एक उड़ता रोबो डोरे मोन, मानो या न मानो मैं हूं एक उड़ता रोबो डोरे मोन। ग्रेट, एनर्जी आ गई, वापस चले। अब मैं खत्म कर दूंगा सेल ऑफ गुड्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा और। कॉन्सेप्ट आता है नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, जिसका मतलब है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, यानी अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो जो बायर होगा उसका टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। लेकिन भाई ऐसा केस हो सकता है ना जहां पर बायर गुड फेथ में गुड्स खरीद रहा है, गुड फेथ का मतलब होता है इनोसेंटली गुड्स खरीद रहा है ना, उसको लग रहा है कि भाई इसके पास था ओनरशिप, तो उस केस में उसको सेव करने के लिए कुछ केसेस आपको क्या दिए गए हैं, एक्सेप्शंस में दिए गए हैं। और यही केसेस में से आपका मर्केंटाइल केस वाला, जो मर्केंटाइल एजेंट वाला जो केस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो या तो ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाएगा कि सारे केसेस बता दो, या मर्केंटाइल एजेंट वाले पे केस स्टडी बनकर आ जाएगा। तो सबसे पहला है बच्चों सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, इसमें हमने एग्जांपल लिया था, ए ने बी को क्या करा था, अपॉइंट किया था एज अ एजेंट, और एजेंट को बोला था तू 10,000 रुपए से कम में गुड्स मत बेचना, लेकिन एजेंट ने 5,000 रुपए में गुड्स बेच दिए, तो क्या बायर अगर गुड फेथ में खरीदा है तो ओनरशिप उसको मिल जाएगी कि नहीं, उसको गुड टाइटल मिलेगा कि नहीं। अगर बायर गुड फेथ में खरीद रहा है और मर्केंटाइल एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बार, भाई हमने बोला था, प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि तुम 10,000 रुपीज से कम में मत बेचना, बट फिर भी मर्केंटाइल एजेंट ने क्या किया, 5,000 में बेच दिया, यानी अपनी अथॉरिटी के बाहर बेचा। बट अगर बायर गुड फेथ में खरीद रहा है तो एक्सेप्शन टू नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, यानी यहां पर क्या होगा, गुड टाइटल मिल जाएगा किसको, बायर को, और जो 5,000 का नुकसान है वो कौन भरेगा, कौन, मर्केंटाइल एजेंट भरने वाला है। नेक्स्ट आता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, इसमें हमने प्ले स्टेशन का एग्जांपल लिया था कि 10,000 रुपए मिलाकर गुरप्रीत सर के साथ चार बच्चों ने पैसा डाला था, 10,000 मैंने डाले थे, टोटल 50,000 रुपए का हमने क्या लिया था, प्ले स्टेशन लिया था। हम लोग कौन थे, ज्वाइंट ओनर्स। नॉर्मली ज्वाइंट ओनर के केस में अगर आप गुड्स को बेचना चाहते हो तो कंसेंट किसकी लेनी पड़ती है, सारे ज्वाइंट ओनर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। बट गुरप्रीत सर ने क्या किया था, सेल आउट कर दिया था। क्या सेल आउट कर दिया था, प्ले स्टेशन 5 जितने का भी बेचा। तो क्या जिसको उन्होंने बेचा उस पर्सन को गुड टाइटल मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। लेकिन तो लॉस हुआ जो बाकी ज्वाइंट ओनर्स का, वो कौन बियर करेगा, गुरप्रीत सर बेयर करेंगे, यानी वो ज्वाइंट ओनर। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो गुड्स है वो किसकी सोल पोजेशन में होने चाहिए,
उस ज्वाइंट ओनर की सोल पोजेशन में होने चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर ज्वाइंट ओनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल इन केस ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर रॉकी भाई ने गन दिखाकर पुष्पा से स्कूटर ले लिया था तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट होता है। राइट किस चीज का होता है? टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कह रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले ही रॉकी भाई आगे उन गुड्स को बेच चुके हैं और सामने वाले ने गुड फेथ में खरीदा है तो सामने वाले को क्या मिल जाएगा? बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा। तो नुकसान कौन भरेगा फिर? रॉकी भाई भरेंगे। किसको? पुष्पा को। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल बाय पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स। इसमें हमने जेठालाल और भिड़े का एग्जाम्पल लिया था। भिड़े शॉप पर आता है, जेठालाल से क्या फाइनल करता है? एक टीवी फाइनल कर लेता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, पैसे भी ले लेता है और कहता है भिड़े भाई आप घर पहुंचो, बस आपके घर पीछे पीछे आपके घर पे क्या आ रहा है? टीवी पहुंच रहा है। लेकिन तभी जैसे ही भिड़े निकलता है तो आ जाती है बबीता जी, और बबीता जी को भी वही टीवी खरीदना होता है और वो लास्ट पीस होता है। तो आप तो जानते हो वैसे तो जेठा एक सख्त बिजनेसमैन है लेकिन यहां वो पिघल गया। तो उसने क्या किया? सेलर जिसने ऑलरेडी गुड्स भिड़े को बेच दिए थे उसने दोबारा से उनको रीसेल कर दिया क्योंकि गुड्स अभी भी उसकी पोजेशन में थे। और बबीता जी को यह बात पता नहीं थी कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन भिड़े और जेठा जी के बीच में हुई है। तो वो क्या हो गई? गुड फेथ में बायर हो गई। तो इस केस में बबीता जी अगर टीवी खरीद लेती है तो उन्हें क्या मिलेगा? गुड टाइटल मिलेगा। लेकिन सर फिर भिड़े का क्या होगा? अरे भिड़े भाई जेठा पर केस करेंगे ना और रिकवर करेंगे। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट इसका रिवर्स केस कि हमने बायर को गुड्स दिए थे लेकिन हमने ओनरशिप नहीं दी थी, सिर्फ क्या दी थी? पोजेशन दी थी। ये कौन से केस में होता है? सेल और रिटर्न बेसिस में हम पोजेशन देते हैं बट ओनरशिप नहीं देते। उस केस में अगर बायर आगे बेच देता है तो लॉ ऑटोमेटिकली ही कहता है कि हम मान लेंगे कि सामने वाले को गुड टाइटल मिल चुका है। नेक्स्ट है सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? मान लो 100 रुपए के गुड्स बेचे थे और 50 रुपए मिल गए, अनपेड सेलर होगा या नहीं होगा? 100% पैसा मिलेगा तो भी होगा। अगर चेक मिला तो और चेक बाउंस हो गया तो भी अनपेड सेलर माना जाएगा। अनपेड सेलर के पास गुड्स के अगेंस्ट राइट होते हैं जिसमें क्या कौन कौन सा राइट होता है? राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर अनपेड सेलर ने राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करा हुआ था तो उस केस में वो उन गुड्स को क्या कर सकता है? रीसेल। लेकिन उसे क्या देना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। नॉर्मल रूलिंग की उसे नोटिस देना पड़ेगा कि भाई तू पैसे नहीं दे रहा तो मैं तेरे गुड्स बेच दूंगा। नेक्स्ट सेल अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट। अदर एक्ट में कौन कौन सा है? अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है तो कोर्ट अपॉइंट करता है किसको? ऑफिशियल असाइनी को या ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करता है। एसेट्स बिलोंग किसको करते हैं? कंपनी को कि ऑफिशियल असाइनी को? कंपनी को। सेल आउट कौन कर रहा है? असाइनी। तो असाइनी अगर सेल आउट कर रहा है तो क्या होगा इस केस में? सामने वाले को गुड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? द आंसर इज यस, उसे गुड टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है और उसे पेरिशेबल नेचर के गुड्स मिल जाते हैं तो उस केस में भी वो सेल कर सकता है टू रिकवर हिज मनी। या वो क्या कर सकता है? सेल आउट कर देता है। मान लो टमाटर मिले, केस वन लेते हैं, टमाटर मिले। अब टमाटर का मुझे क्या करना है? लॉस्ट गुड्स, ये तो खराब हो जाएंगे तो मैंने उन्हें सेल कर दिया। सेल करने के बाद जो पैसा आएगा मैं उसे अपने पास रखूंगा और जब कौन आएगा, ट्रू ओनर अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसके पैसे उसे दे दूंगा। नेक्स्ट केस, अगर मैंने ढूंढने में इतना खर्चा कर दिया जो कि मेजर खर्चा हो गया, इतनी तो कॉस्ट भी नहीं थी, और जब मैं उसके पास ट्रू ओनर के पास गया कि भाई अपने गुड्स ले ले और मुझे मेरा खर्चा वापस दे दे तुझे ढूंढने का, उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो? रिकवर करने के लिए उसे गुड्स को सेल करोगे, जितना पैसा आएगा उसमें से अपना पैसा रिकवर करोगे और बाकी किसको दे दोगे? ट्रू ओनर को दे देना है। नेक्स्ट आता है अफेक्ट ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब क्या होता है? एस्टोपल का मतलब क्या होता है? एस्टोपल का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि सच है या झूठ। आपको पता था आपने झूठ बोला लेकिन आपने एक बार अगर झूठ बोल दिया तो उस केस में मैं पीछे नहीं हट सकता। इसमें कौन सा एग्जांपल लिया था? साइकिल का एग्जांपल लिया था, नूरा मैम वाला, है ना? तो उस केस में क्या होता है? अगर ओनर ने ही खुद ऐसा कंडक्ट किया जिससे उसने कहा कि मैं ओनर नहीं हूं, यही ओनर है जिससे तुम खरीद रहे हो, तो वो बाद में ये क्लेम नहीं कर सकता कि उन गुड्स का ओनर
मैं था, उन गुड्स का ओनर मैं था। नेक्स्ट आता है बच्चों डिलीवरी से रिलेटेड। डिलीवरी से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। अगर मैं डिलीवरी की बात करता हूं, डिलीवरी का मतलब तो हमें पता है वॉलंटरी ट्रांसफर होता है पोजेशन का। बायर को या बायर के एजेंट को दोगे तो हम क्या मान लेंगे, डिलीवरी हो चुकी है। लेकिन यहां पर एक और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, डूइंग एनीथिंग टू गुड्स विच द पार्टी एग्री। इसका क्या मतलब है कोई बताएगा? गुड्स के साथ कुछ ऐसा करेंगे तो डिलीवरी होगी। डिलीवरी तो पोजेशन ट्रांसफर से होती है ना। बिल्कुल, अगर भाई मैंने सेलर, जिस सेलर जब बेच रहा है और बायर ने ही इंस्ट्रक्शन दे दिए कि मुझे नहीं देने, तुझे इन गुड्स का ये काम करना है, और आपने वो काम कर दिया तो लॉ मान लेगा कि तुमने उसे डिलीवरी कर दी क्योंकि तुमने उसकी बात मान ली थी। नेक्स्ट आता है पार्ट डिलीवरी। यहां पर जो पार्ट डिलीवरी है, पहले बताओ क्या गुड्स इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करे जा सकते हैं या नहीं करे जा सकते? कब करे जा सकते हैं? जब कहां मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो गुड्स इंस्टॉलमेंट में नहीं हो सकते। बायर रिजेक्ट कर सकता है कि मुझे पूरे गुड्स एक साथ चाहिए, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है और पार्ट डिलीवरी हो रही है गुड्स की, तो आपको इंटेंशन देखनी है पार्टीज की कि इंटेंशन अलग अलग देने की थी या इंटेंशन अलग देने की नहीं थी। अगर इंटेंशन अलग अलग देने की थी, अलग अलग देने की थी इंटेंशन टू सवरे, देन उस केस में, ये रिवर्स लिखा हुआ है क्या, इंटेंशन नॉट टू सवर, इंटेंशन अलग करने की नहीं थी। हाँ, इंटेंशन अलग करने की नहीं थी तो हम क्या मानेंगे, आपने पूरे की डिलीवरी कर दी। ये किसके कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर होने के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है ओनरशिप, कि ओनरशिप हम मान लेंगे पूरे गुड्स की, डिलीवर हुए आधे बट ओनरशिप पूरे गुड्स की ट्रांसफर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलर बायर को डिलीवरी कब देगा, जब बायर कहेगा या वो खुद से डिलीवरी देगा? तो आपको पहले चेक करना है कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस तारीख को देना है तो हमें बायर का वेट करना पड़ेगा क्या? क्या हमें बायर का वेट करना पड़ेगा? क्या हमें, आवाज दो यार, अभी मैं गाना गा दूंगा, है ना, नहीं करना है ना, नहीं करना पड़ेगा, हमें दे देना। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो हम तब तक डिलीवरी नहीं करेंगे जब तक कि बायर हमें, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं करता कि भाई मुझे डिलीवरी दे दो। नेक्स्ट आता है डिलीवरी कहां होगी। डिलीवरी सेलर, मान लो अगर सेलर मुंबई का है, ठीक है, सेलर कहां का है, मुंबई का है, और बायर कहां का है, दिल्ली का है, तो क्वेश्चन ये आता है, सेलर बायर को गुड्स भेजेगा या बायर खुद गुड्स लेने आएगा, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलता है, इट डिपेंड्स कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन है। कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन होगा वो फॉलो होगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइप का है। अगर सेल है तो वहां पर डिलीवरी होगी जहां पर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर थे, और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो एग्रीमेंट टू सेल में आपको चेक करना होगा गुड्स एग्जिस्टेंस में थे या गुड्स फ्यूचर गुड्स थे। अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में थे तो जब एग्रीमेंट टू सेल हुआ वहां पर गुड्स जहां पर भी थे वहां पर डिलीवरी करी जाएगी, वहां पर डिलीवरी बायर को दी जाएगी। लेकिन अगर एग्जिस्टेंस में नहीं थे तो हमें गुड्स को क्या करना पड़ता है, या तो मैन्युफैक्चर करना पड़ता है या प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो जहां पर भी वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे क्या किया जाएगा, डिलीवरी दी जाएगी। नेक्स्ट, कितने दिन के अंदर डिलीवरी दे देनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, एक साल, दो साल, दस साल, कितने दिन? अगेन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उस में दे देनी चाहिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, हर जगह रीजनेबल टाइम, मैंने पूछा लॉ से रीजनेबल टाइम बता दो, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस। नेक्स्ट टॉपिक, अगर गुड्स थर्ड पार्टी की पोजीशन में, मतलब सेलर बायर बट गुड्स पड़े हुए हैं किसकी पोजीशन में, थर्ड पार्टी की पोजीशन में, तो यहां पर कौन से टाइप की डिलीवरी होती है? दो तरह की डिलीवरी हो सकती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, अगर सेलर ने थर्ड पार्टी से क्या दिलवा दी, एक्नॉलेजमेंट दिलवा दी, और दूसरी होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, अगर सेलर ने बायर को क्या दे दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, वेयर हाउस कीपर हो सकता है, रेलवे वाले हो सकते हैं, शिप का कैप्टन हो सकता है, यस और नो? यस सर, बोलो यार जोर से यार, मेरी आवाज कितनी जोर आ रही है, थक गए हो है ना आप लोग?
माइक दे दूं, बिना माइक के भी चला लूंगा। चलिए, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा कौन उठाएगा? बॉर्न बाय द सेलर। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा बायर उठाएगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा 50% बायर 50% सेलर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो फॉलो होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट, देखो लॉ यहां पर नॉर्मली वो केसेस को क्लैरिफाई करता है जहां पर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना भूल जाती है या इंटेंशनली नहीं करती कि जो लॉ में लिखा है वो हम फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट आता है रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर। गुरप्रीत सर ने 10 बियर ऑर्डर करी, ठीक है, 10 बियर ऑर्डर करी, आई कितनी? 8 आ गई, 8 आ गई। एक बियर का रेट क्या है भाई? 160। चलो तुम कह रहे हो तो मैं 160 मान लेता हूं, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता, मैं बाकियों को बता सकता हूं बियर का नहीं, ठीक है। तो 160 का रेट था, 10 मंगाई थी, 8 आई। अब मुझे क्या करना चाहिए? बायर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, कितनी? 8ों की 8 रिजेक्ट कर दी, भाई 10 मंगाई थी तो तू 8 क्यों लाया वापस। या बायर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन मुझे प्राइस कितनी का देना चाहिए, 10 का या 8 का? 8 का। किस रेट पे देंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस रेट पे हम दे देंगे। नेक्स्ट आता है एक्सेस क्वांटिटी। 10 मंगाई थी और 12 आ गई, मान लो 12 आ गई, तो यहां पर क्या कर सकते हो? या तो बायर कहेगा अरे तो अच्छी बात है, है ना, ये तो बहुत बढ़िया, दोबारा ऑर्डर करने के डिलीवरी चार्जेस बच गए, तो यहां पर होल जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो पे कितने का करूंगा, 10 का या 12 का? अरे भाई तुम दोबारा लाए, मैं क्यों पे करूं? तो आप रिजेक्ट कर देता ना बाकी की, है ना। तो इस केस में मेरे को पूरा देना पड़ेगा 12 का। क्यों? यहां पर एक और चीज लगती है, क्वांटम मेरिट भी लगता है कि भैया इतना काम मैंने किया है, भले ही हमने रिम्यूनरेशन नहीं डिसाइड करी बट तुमने बेनिफिट तो उठाया ना, तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। या बायर अगर चाहे तो 10 एक्सेप्ट कर लेगा और 2 रिजेक्ट कर लेगा, बट नॉर्मली 12 की 12 एक्सेप्ट हो जाती है इस केस में। नेक्स्ट आता है सेलर डिलीवर्स मिक्सचर गलत कर दिया। मिक्सचर गलत कर दिया मतलब 5 मैगी के पैकेट मंगाए थे, 3 यिपी आ गई और 2 मैगी आ गई, तो क्या बोलता है? द बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या करूंगा? 2 मैगी के पैकेट एक्सेप्ट करके 2 मैगी के पैकेट के पैसे दे दूंगा, एंड रिजेक्ट कर देगा। कौन से रिजेक्ट कर दूंगा? रिमेनिंग यूपी वाले रिजेक्ट कर दूंगा, या हो सकता है मैं सारे के सारे ही रिजेक्ट कर दूं। लेकिन इस चीज में आप कोई स्पेशल एग्रीमेंट या कस्टम चलता आ रहा होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंस्टॉलमेंट, ये तो हमने कवर कर लिया इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरी वाला। उसके बाद चलते हैं ट्रांजिट। अगर रास्ते में गुड्स खराब हो जाते हैं और सेलर ने कहा था कि रिस्क मेरा है, तो खर्चा कौन उठाएगा? अगर रास्ते में गुड्स डेटोरिएट होते हैं, उनकी कंडीशन खराब होती है, सेलर ने क्लियरली बोला था मैं खर्चा उठाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट में, खर्चा कौन उठाएगा? तो आपको चेक करना पड़ेगा जो लॉस हुआ है, जो डेटोरिएशन हुआ है, वो नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब जो ट्रांजिट में होगा ही होगा, 100% है कि होगा ही होगा, और एबनॉर्मल मतलब जो नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया। तो उस केस में नॉर्मल लॉस कौन उठाएगा? बायर उठाएगा, भले ही सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मैं उठाऊंगा। और एबनॉर्मल लॉस कौन उठाएगा? सेलर। इसमें कौन सा एग्जांपल आता है? हमने शिप से आयरन रोड्स मंगाए थे, आयरन रोड्स को शिप से आने में लगते हैं 6 महीने। अगर 6 महीने लगते हैं तो थोड़ा बहुत तो जंग लगेगा ही, 6 महीने के पीरियड में आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जंग उस पर लग जाएगा, रस्टिंग उस पर हो जाएगी। लेकिन रस्टिंग के अलावा मान लो चोरी हो गई तो वो एबनॉर्मल हो गया, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? सेलर उठाने वाला है। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर, ठीक है, मुझे ही बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है बायर्स राइट टू एग्जामाइन दी गुड्स। बायर्स राइट टू एग्जामाइन दी गुड्स। सो वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू दी बायर, तो बायर उसे खरीदने से मतलब एक्सेप्ट करने से पहले क्या करेगा? चेक करेगा अगर उसने पहले से चेक नहीं करे थे, और सेलर को यह इंश्योर करना होगा कि उसको अपॉर्चुनिटी बायर को दी जाए कि वो चेक कर सके, अदरवाइज हम भैया एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स पे। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने सेल और रिटर्न बेसिस में कवर कर लिया है। उसके बाद बायर निग्लेक्टिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। एग्जाम्पल में क्या हुआ? सेलर
ट्रक लेके बायर की फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया जिसमें गुड्स थे, ड्यू डेट पे पहुंच गया जो डेट थी। हमने फैक्ट्री में बोला कि भाई अंदर ले लो ट्रक को, लेकिन उन्होंने ट्रक को अंदर नहीं लिया, यानी वो गुड्स को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि हमने वही गुड्स भेजे थे जो कि उसने मंगाए थे। तो यहां पर गलती किसकी है? बायर की। क्यों? क्योंकि वो डिलीवरी ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है? निग्लेक्ट कर रहा है। तो जितना भी मेरा खर्चा आएगा, मतलब जितने दिन वो ट्रक अब उनके फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहेगा, उसका रेंट लगेगा, उसका खर्चा मैं क्या ले सकता हूं बायर से? द आंसर इज यस। अगर बारिश आ गई, बारिश में गुड्स खराब हो गए, तो क्या वो लॉस भी बायर को बियर करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि बायर की लाइबिलिटी थी, बायर की गलती थी, उसने टाइम पर डिलीवरी नहीं ली। ठीक है, कोई डाउट है इस यूनिट में? कुछ था बच्चों को? कहां गए वो बच्चे जो यूनिट नंबर 3 में डाउट पूछ रहे थे? सो गए? अरे भाई, ओहो, है किसी को डाउट या मैं आगे चलूं? क्या मैं लग रहा है कुछ ज्यादा ही बढ़िया तो नहीं पढ़ाता हूं? वो रहा, वो देखो सारे मुड़ के देखेंगे उसे, वो देखो, पूछ पाएगा डाउट? यहां तक आएगी क्या आवाज? नहीं आएगी मुझे लगता। क्या इंटेंशन? क्या इंटेंशन? अच्छा, अलग करने की इंटेंशन थी कि नहीं थी? वही वाले टॉपिक पे पहुंच गए कि इंटेंशन, पार्ट डिलीवरी में इंटेंशन कैसी थी। तो यहां पर मान लीजिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, 100 चेयर्स ऑर्डर करी थी। कितनी चेयर्स ऑर्डर करी थी? 100 चेयर्स। ठीक है, 100 चेयर्स, मैं नीचे कर लेता हूं, आपको गुंडा लग रहा हूं मैं, नहीं हूं मैं, हाँ, 100 चेयर्स मैंने क्या करी थी? ऑर्डर करी थी। अब उन्होंने ट्रक जो बुक किया, सेलर ने जो ट्रक बुक किया, उसमें 98 चेयर्स आ पाई। कितनी आ पाई? 98 चेयर्स आ पाई। 2 चेयर्स उन्होंने क्या करा? दूसरी गाड़ी में डाल दी। ठीक है, यहां पर उनको क्या अलग अलग भेजने की इंटेंशन है, या वो एक ही साथ भेजना चाहते थे बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए? तो यहां पर उनकी इंटेंशन टू सर्व नहीं है। तो लॉ बोल रहा है कि अगर 98 चेयर्स भी पहुंच जाती है, तो ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से मैं मानूंगा कि 100 चेयर्स हो गई है। लेकिन जहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन करा कि तुम मुझे अप्रैल में 50 चेयर भेजना, मई में 50 चेयर भेजना, तो उस केस में मेरी क्लियर इंटेंशन थी कि मुझे अलग अलग भेजना, तो इस पर ओनरशिप का रूल अलग लगेगा और इस पर ओनरशिप का रूल अलग लगने वाला है। क्लियर है क्या? इंटेंशन टू सर्व, कैश और रिटर्न। कैश और रिटर्न में होता है कि हम तुझे गुड्स देते हैं कि भाई तू इस्तेमाल कर ले, अगर तुझे पसंद आ जाए तो मुझे पैसा दियो, तभी तेरे पास ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अदरवाइज अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तुझे मुझे गुड्स वापस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट पे जा रहा हूं मैं। चलें? जोर से बोलोगे तो चलेंगे, वरना कह रहा हां जल्दी खत्म करो यार, जल्दी जल्दी। अरे कोई ब्रेक नहीं यार, मेरी जिंदगी ब्रेक पे लगी हुई है यहां, कितने ब्रेकअप्स हुए हैं तुम्हें क्या बताऊं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेरे बच्चा, अनपेड सेलर का। ये हमने ऑलरेडी अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर कौन सा सेलर होता है? जिसको होल ऑफ द प्राइस नहीं मिला होता, या जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। क्या इसमें सिर्फ सेलर ही कवर होता है या सेलर का एजेंट भी कवर होता है? क्या इसमें सिर्फ सैलरी कवर होता है या सैलर का एजेंट भी कवर होता है? अगर एजेंट का लॉस हो रहा है, एजेंट ने सैलर को पैसे दे दिए थे, अब पैसों का लॉस किसका हो रहा है? एजेंट का, तो एजेंट भी कवर हो जाएगा, उसको एज गुड एज क्या माना जाएगा? अनपेड सैलर माना जाएगा। ठीक है, अनपेड सैलर के पास कितने टाइप्स, किसके अगेंस्ट होते हैं जल्दी बताओ? अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट, अगेंस्ट एक बार ही सारे बोलेंगे, अगेंस्ट, 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 अगेंस्ट। अब इसमें दिक्कत यह आती है कि बच्चा क्वेश्चन नहीं पढ़ता। क्वेश्चन 3 टाइप से आता है इसमें। सबसे पहला आता है एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, तो कौन से वाला लिखोगे? दोनों लिखोगे, पढ़ लेना भाई। अगर आएगा अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, तो कौन से लिखोगे? गुड्स वाले लिखेंगे। और अगर आएगा अगेंस्ट बायर, तो बायर वाले लिखेंगे। ठीक है, अगेंस्ट गुड्स में हम राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल पढ़ते हैं। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? टू रिटेन पोजेशन, टू रिटेन, टू रिटेन, टू रिटेन,
और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है? टू रिगेन पोजेशन. जहां पर राइट ऑफ लीन एंड होता है वहां से राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है. राइट ऑफ लीन तीन केसेस में लगाया जा सकता है, जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सिर्फ एक केस में लगाया जा सकता है, जहां पर बायर इनसॉल्वेंट हो जाता है, जहां पर बायर इनसॉल्वेंट हो जाता है. नेक्स्ट आता है रीसेल. रीसेल का राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, मानते हो कि नहीं? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये राइट होता ही नहीं तो ऊपर के दोनों राइट्स. बट क्यों? मुझे तो नहीं लगता, मैंने यार गुड्स रख लिए तो मैं क्यों हो रहा है ऐसा? बिल्कुल. आप कब तक वेट करोगे बायर का भाई? एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल. तो ये राइट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट रीसेल एक्सरसाइज करने के लिए एक कंडीशन और है, दैट इज टू गिव नोटिस. लेकिन दो केसेस में नोटिस नहीं देना पड़ता. क्या? एक तो पेरिशेबल गुड्स के केस में, और दूसरा बता दो कोई. हाथ खड़ा करके बताओगे चॉकलेट दे दूंगा. हाथ खड़ा करके बताना नहीं है, पहले हाथ खड़ा करो, मैं बोलूंगा फिर है. रुक जाओ, ठीक है. सेकंड वाला केस हम पूछेंगे. दुबई वाली चॉकलेट दे देंगे. अरे यार सब खत्म हो गई यार. अरे भाई साहब, चलो चलो आप बता दीजिए मैम. बिल्कुल, अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एक्सप्रेसली दे दोगे ना उसे. अबे दुबई वाली तो खत्म हो गई ना, ये देखना. दुबई जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा क्वाजी लीन. लीन और क्वाजी लीन में कोई डिफरेंस बता सकता है? लीन और क्वाजी लीन में कोई डिफरेंस बता सकता है? क्या डिफरेंस होता है लीन और क्वाजी लीन? कई बच्चों ने तो क्वाजी लीन पढ़ा ही नहीं होगा. क्वाजी लीन जैसा कुछ होता भी है क्या? क्यों लिखा हुआ है यहां किताब में? क्या लीन और यस बताओ. देखो लीन के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होती है तब हम लीन लगाते हैं, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो हम क्या लगाते हैं? विदहोल्डिंग डिलीवरी, दैट इज नोन एज क्वाजी लीन. नेक्स्ट, लीन की अगर मैं कंडीशन आपको बताऊं तो सेलर अनपेड होना चाहिए. पोजेशन किसके पास होनी चाहिए? बायर के पास होनी चाहिए. पोजेशन किसके पास होनी चाहिए? सेलर के पास पोजेशन होनी चाहिए. और गुड्स क्या होने चाहिए? तीनों कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है. गुड्स अगर आपने क्रेडिट पे सॉल्व करे थे तो टाइम एक्सपायर हो जाना चाहिए. अगर गुड्स कैश पे सोल्ड करे थे, अगर गुड्स कैश पे सोल्ड करे थे तो भी कर सकते हो. और तीसरा, अगर बायर इनसॉल्वेंट हो गया तो. इनसॉल्वेंसी वाला पॉइंट तो दोबारा रिपीटेड है. नेक्स्ट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी हो चुका है. आगे चलते हैं हम सीधा. ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे सारे बच्चे एग्जाम के लिए. राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. जल्दी होगी बेटा, होने वाली है. मार्क कर लिया? ठीक है, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेज के केस में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है बच्चों को समझने में. प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करके समझना, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली अगर सेलर है, सेलर के पास गुड्स पोजेशन में है, सेलर के पास क्या है? गुड्स पोजेशन में है. सेलर ने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है मान लो. लेकिन इंसॉल्वेंट होने से, इंसॉल्वेंट जब होता है तो अब इस केस में क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या बायर, पहले तो बताओ. अगर इंसॉल्वेंट है तो थर्ड पार्टी के साथ, तो यहां पर इंसॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा? ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया. लेकिन अगर मैं सेकंड केस लेता हूं कि बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ लेकिन उसका पीरियड एक्सपायर हो गया. उसका पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर. किस, कौन सा पीरियड की बात हो रही है भैया? क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और वो पैसे नहीं दे रहा, और उसने आगे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सेलर राइट ऑफ लीन लगा सकता है या नहीं लगा सकता?
कितने बच्चे कहते हैं कि लगा सकता है राइट ऑफ लीन, लगाओ बोली। एक बच्चा कह रहा है वो राइट ऑफ लीन लगा सकता है, और कितने बच्चे कह रहे हैं कि वो नहीं लगा सकता राइट ऑफ लीन। अरे बाकी लोग क्या कह रहे हैं, हाय बताओ बाकी लोग क्या कह रहे हैं, राइट ऑफ लीन कितने को लगता है कि वो लगा एक्सरसाइज कर सकता है इस केस में। यहां पर आपको चेक करना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी बायर और थर्ड पार्टी के बीच में, इसकी कंफर्मेशन यानी एसेंट सेलर ने दी थी या नहीं दी थी। अगर सेलर ने एसेंट दी थी तो क्या होगा, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता, बट अगर एसेंट नहीं दी थी तो एक्सरसाइज हो सकता। और यहां पर एसेंट किसकी बात हो रही है, सेलर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यही केस को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहां पर एग्रीमेंट की जगह डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डिलीवरी से करूं तो क्या होगा आंसर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में आपको चेक करना होता है अगर उसने सेल करी है तो एसेंट हो या ना हो, हम मान लेते हैं कि ट्रांसफर हो चुकी है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रहे थे, सेलर नहीं तो बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया होगा ना, तो इस तरह से इंप्लाइड एसेंट मान ली जाती है, इस तरह से इंप्लाइड एसेंट मान ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये तो हो गया राइट ऑफ रीसेल। कौन कौन से केसेस में नोटिस लगता है और कौन कौन से केसेस में नोटिस नहीं लगता है? एक बार ही रिपीट करेंगे मेरे साथ, नॉर्मल रूल क्या है, रीसेल का नोटिस लगता है या नहीं लगता है? बायर सेलर को देता है, सेलर बायर को क्या देता है, नोटिस देता है, सेलर बायर को क्या देता है, नोटिस देता है, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर उसने एक्सप्रेसली मेंशन करा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लगेगा, अगर एक्सप्रेसली मेंशन करा हुआ है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा केस अगर गुड्स क्या है, पेरिशेबल नेचर के हैं। अब ये बच्चा कह रहा है कि क्या कह रहे थे भाई, हाँ बैग और कह रहा हूं कि बुक में नहीं था, हाँ नहीं नहीं मैं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, बस आप कह रहे हो वो कह रहा है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में या राइट ऑफ लीन के केस में भी आप कह रहे थे वो देने की जरूरत नहीं होती है, वो इस कंटेक्स्ट से कह रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपने जब एक्सरसाइज किया होगा तो बायर को बता दिया होगा कि आपने राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से आपने नोटिस दे दिया था ना उसे, चले नहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस सबसे पहले ही कवर हो गया था, प्राइस में केस कब कर सकता है, कब सेलर बायर के ऊपर प्राइस के ऊपर केस कर सकता है, दो केसेस में। पहला अगर क्या ट्रांसफर हो गई थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी, और दूसरा अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी लेकिन डेट फिक्स थी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट करने की, उस केस में। सेकंड आता है सूट फॉर डैमेजेस। कौन से केसेस में लिए जाते हैं, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो हम नॉर्मली प्राइस लेते हैं, प्राइस के साथ कोई नुकसान होता है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, बट अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो हम क्या क्लेम करते हैं, डैमेजेस क्लेम करते हैं। नेक्स्ट आता है बायर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ये कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा हुआ है क्या, ड्यू डेट आने से पहले ही अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को कह देता है भाई मुझे नहीं चाहिए तेरे गुड्स, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल लगेंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है। कौन कौन सा ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन वेट कर लो किस चीज का, शेड्यूल डेट का, और दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके इमीडिएटली फाइल कर दो केस, किस चीज के लिए, डैमेजेस के लिए। क्या इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं, द आंसर इज यस, आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा किस में, कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट के बारे में लिखा है तो इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, और अगर नहीं लिखा तो हो सकता है क्या, अगर नहीं लिखा तो हो सकता है क्या, कितने बच्चों को लगता है हो सकता है, अगर नहीं लिखा तो भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है सेलर। लॉ कहता है सेलर को सिर्फ नोटिस देना है बायर को, सेलर को सिर्फ नोटिस देना है और वो फिर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। सर कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट होगा, जितना नोटिस में मेंशन होगा। अगर नोटिस में मेंशन नहीं होगा तो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आते हैं बायर अगेंस्ट सेलर के, कि बायर के पास कौन कौन से गुड्स हैं सेलर के। क्या यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको रिपीटेटिव दिख रहे हैं क्या, यस और नो? एंटीसिपेटरी ब्रीच वाला पॉइंट रिपीटेड है,
इंटरेस्ट वाला पॉइंट रिपीटेड है और डैमेजेस वाला पॉइंट भी रिपीटेड है। मेन आपको कौन सा देखना है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या बायर सेलर के ऊपर फोर्स डाउन करवा सकता है कोर्ट से कि मुझे तो गुड्स ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे डैमेजेस? लेकिन नॉर्मल रूल नहीं है ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस में होता है। कब? कोर्ट का ऑर्डर आता है, बट कोर्ट ऑर्डर कब देता है? जब स्पेशल टाइप के गुड्स होते हैं जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होते। जब कौन से टाइप के गुड्स होते हैं? स्पेशल टाइप के गुड्स। इसमें कौन सा एग्जांपल आता है? एंटीक पेंटिंग वाला, इसमें आपको एग्जांपल देना है। और मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था क्लास में? वायर वाला एग्जांपल दिया था, बहुत 10 मीटर की वायर जो कहीं और नहीं मिल रही थी, मैंने उसी से बनवानी थी और उसने बाद में मना कर दिया, तो फिर वो उसे ही बनाकर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आती है बच्चों ऑक्शन सेल। क्या आप लोग रेडी हो ऑक्शन के लिए? लगा दोगे? पैसा बहुत है आप लोगों के पास? चलिए तो मान लीजिए भाई यहां पर गुरप्रीत सर इसके ओनर हैं, मान लीजिए इसके ओनर आप मजनू भाई मान लीजिए, ठीक है, मजनू भाई जो है ओनर है, ये मैं हूं, दिख रहा है क्या, ये मैं हूं, और मैं क्या कहलाऊंगा? ऑक्शनियर कहलाऊंगा। ऑक्शनियर क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट होता है। मैं आपसे क्या लूंगा? बिड्स एक्सेप्ट करूंगा। चलिए बिडिंग स्टार्ट होगी, सबसे मिनिमम प्राइस हम रखते हैं 1 करोड़, ठीक है। अबे सुन तो लो, हर हाथ पे मैं 1 करोड़ इंक्रीज करते चला जाऊंगा, हर अगर आप हाथ खड़ा कर रहे हो मैं 1 करोड़ से इंक्रीज करूंगा, ठीक है, ठीक है। क्या नूरा, नूरा मैम कह रहा, तो ऐसे बिडिंग होती है। मुझे बताओ ये जो बिडिंग है, ये जो बिडिंग है, ये जनरल ऑफर है या स्पेशल ऑफर है? कौन सा ऑफर है? कितने बच्चे कहते हैं जनरल ऑफर है? जो आप बिडिंग कर रहे हो वो पता कौन सा ऑफर होता है? स्पेसिफिक ऑफर। क्यों? आपने बिडिंग मुझे करी, आप बायर हो, मैं सेलर हूं, आप मुझसे खरीदना चाहते हो या मैं जिसका एजेंट बनकर आया उससे गुड्स खरीदना चाहते हो, तो ये स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है। क्या मैंने ऑफर दिया ही नहीं ना, मैं तो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं यहां खड़ा होके, मैं ऑफर नहीं दे रहा कोई, मैं सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफर। और जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर था। तो यहां पर यही रूल्स बेटा लिखे हुए हैं। सबसे पहला रूल, अगर आप लॉट्स में ऑक्शन करवाते हो तो उस केस में क्या होगा, हर लॉट के लिए क्या लगेगा? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट ऑफर, सेपरेट एक्सेप्टेंस लगेगा। और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? फॉल ऑफ हैमर पे। लेकिन इसमें भी एक और पॉइंट एडिशनल है, फॉल थर्ड बारी हैमर फॉल हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, हैमर को उसकी जगह पर वापस रखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें एक कौन सा केस आता है जिसमें क्या करता है ऑक्शनियर, गलती सामान ही तोड़ देता है भाई साहब, हथौड़ा सामान पर ही मार देता है, तो वो कहते हैं नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका होगा? सेलर का, क्योंकि ओनरशिप किसके पास थी? सेलर के पास। लेकिन उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऑक्शनियर करेगा। बायर कहेगा भाई अगर तू रख देता उसके बाद टूटता तो मेरी जिम्मेदारी होती। नेक्स्ट, रिजर्व, राइट टू बिड। राइट टू बिड में भी रिजर्व का मतलब क्या होता है कि अगर ओनर जो है उस गुड्स का वो भी यहां पर भीड़ में आकर बैठ सकता है, यस और नो? लेकिन वो कब बैठ सकता है? जब उसने ये बात क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में या नोटिस में मेंशन करी होगी कि सेलर या सेलर का कोई एक एजेंट आकर यहां पर बैठने वाला है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होगा? तो हम मान लेंगे कि उसने क्या किया है, फ्रॉड किया, और फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है। अगर वो मल्टीपल लोगों को बिठा देता है तो? मल्टीपल लोगों को बिठा दिया, प्रिटेंडेड बिडिंग, एक बंदा नहीं मल्टीपल लोग बिडिंग बढ़ा रहा है चुपचाप, तो उस केस में भी फ्रॉड होगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा। लास्ट 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 पर लास्ट लास्ट पॉइंट में ये आता है, लास्ट पॉइंट सुन लो, कि अगर एग्रीमेंट की डेट, ठीक है, एग्रीमेंट की डेट और परफॉर्मेंस की डेट के बीच, अगर एग्रीमेंट की डेट और परफॉर्मेंस की डेट के बीच में टैक्स का रेट इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो उस केस में प्राइस भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन
नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन हो तो क्या फॉलो होगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया जाएगा। तो यहां पर बेटा हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म होता है। भाई साहब 3x से भी ज्यादा थी आज मेरी स्पीड।